हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब बच्चे? वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी एंड हम लोग कर रहे हैं एनिमल किंगडम का पार्ट 2। ठीक है, एनिमल किंगडम हमने कल स्टार्ट किया था। कल हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कर लिया था एंड द फर्स्ट पार्ट वॉज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन 100% बनता है। आई होप आपने इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को अच्छे से डिटेल में कर लिया होगा। अब इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नॉन कॉर्डेट्स एंड कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे जिसका नाम है कॉर्डेट्स। ठीक है, तो 3 दिन में हम ये चैप्टर को कर रहे हैं। ज्यादा लंबा क्लास नहीं ले रहे, छोटा छोटा ले रहे हैं सो दैट बेटा जी आप भी एब्जॉर्ब कर पाए क्लास में एंड सेम डे आप क्लास भी लगा पाए एंड रिवीजन भी कर पाए। ठीक है जी, जैसा कि मैंने आपको बताया इस चैप्टर में से पहले 3 क्वेश्चन आते थे, बट सिंस अगर सिलेबस रिवाइज हो जाएगा देयर आर हाई चांसेस कि यार क्वेश्चन का नंबर 3 से 4 भी हो सकता है। ठीक है जी, 4 क्वेश्चन मतलब 16 नंबर का अप्रोक्सीमेटली ये चैप्टर आपका बनता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ रहा है और बहुत आसान है ना। साथ लर्न करोगे इट इज वेरी 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 इजी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जो बच्चे पहली बार ही पढ़ रहे हैं, पहली बार हो सकता है लगे कि यार नई नई टर्म्स है, बट इवेंचुअली जब आप इसी चैप्टर को 2 बारी 3 बारी पढ़ लोगे तो आपको सारी चीजें बहुत ईजी लगने लगेंगी। ठीक है जी, यस चलिए, तो कल वाला लेक्चर आई होप सबको रेडी होगा। कल वाले लेक्चर के साथ साथ एक और अनाउंसमेंट बेटा जी मैं यहाँ पर करना चाहूंगी एंड द अनाउंसमेंट इज कि आपका रिवीजन चैलेंज भी चल रहा है। इस रिवीजन चैलेंज में कल की क्लास अमेजिंग लगी कि नहीं लगी, आप मुझे खुद बताइए। कल की बेटा जी क्लास अच्छी लगी कि नहीं लगी, जिसमें हमने लिविंग वर्ल्ड का माइंड मैप प्लस डीपीपी डिस्कस किया है। आज की क्लास में हम सेकेंड पार्ट जिसका नाम है फ्रॉग का माइंड मैप प्लस डीपीपी करने वाले हैं। ध्यान देना है बेटा जी, फ्रॉग एक न्यू एडिशन है आपकी सिलेबस में। आज तक फ्रॉग कभी सिलेबस में नहीं था। क्वेश्चन 2017 में आ गया था, इट इज ओके, बट वो सिलेबस में नहीं था। अब क्लियरली न्यू एनसीईआरटी में भी अकेला फ्रॉग है और सिलेबस में भी फ्रॉग को मेंशन कर दिया है, तो फ्रॉग में से एक सवाल जरूर बनेगा। तो फ्रॉग के नोट्स ऑलरेडी तैयार हैं, अच्छा थोड़ा सा देख लिया है। ठीक है, अब इन माइंड मैप्स को जिसको मैंने बहुत डिस्क्रिप्टिव बनाने की कोशिश की है, इन माइंड मैप्स को बेटा जी आज हम 6 बजे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस जगह पर जाकर कहाँ लिंक मैंने पिन कर दिया है। सब बच्चों का एनरोलमेंट मुझे बिफोर क्लास चाहिए। बिफोर क्लास आप उसमें एनरोल करके, मतलब अभी के अभी जाओ और एनरोल करके आ जाओ, क्योंकि 6 बजे की क्लास कोई मिस नहीं करेगा। इसमें आफ्टर फ्रॉग मैं आपको और क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। देखो मैंने बताया फ्रॉग पर डेटा बहुत लिमिटेड है, कोई नहीं बनाता था, कोई क्वेश्चंस भी नहीं बनाता था, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन बनाते थे जानते हुए कि यार ये सिलेबस में नहीं आता है एंड इसमें से क्वेश्चंस पूछने की फ्रीक्वेंसी जो थी पहले बहुत कम थी। तो फ्रॉग के क्वेश्चन करना अति आवश्यक है, जहां से मिले आपको बटोरने चाहिए। उस दिन मैंने आपको 60 क्वेश्चंस कराए फ्रॉग के, आज बेटा जी 60 क्वेश्चंस और कराने वाली हुई कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जितनी भी न्यू एडिशंस पास्ट में हुई हैं, जब भी हुई हैं, उस टॉपिक में से भर भर के सवाल आए हैं। तो फ्रॉग इज दैट काइंड ऑफ टॉपिक जो इस साल ऐड हो रहा है, तो 100% है इसमें से 2 सवाल तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है जी, तो रेडी हो जाना बेटा इसके माइंड मैप के लिए। ठीक है, और कल जैसे ही हम एनिमल किंगडम खत्म कर देंगे यहाँ पर यूट्यूब पे, हम इसका माइंड मैप डिस्कस कर लेंगे शाम को 6 बजे। और परसों संडे को तो मैम मैच है इंडिया और न्यूजीलैंड का, मैच देखेंगे? नहीं, संडे को मैच नहीं है। संडे को बेटा जी हमारी टेस्ट सीरीज चैलेंज है। जितना मैंने अब तक करा दिया होगा वो सारा टेस्ट सीरीज में आएगा संडे को। संडे दोपहर में 12 बजे, कितने बजे? दोपहर में 12 बजे बेटा जी टेस्ट सीरीज है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो देनी है। ठीक है, मैच देखने नहीं भाग जाना है। और बेटा जी शाम को बेटा जी शाम को उसी टेस्ट सीरीज का लाइव डिस्कशन है, उसी टेस्ट सीरीज का जो सुबह टेस्ट सीरीज में तो देखो मैं नहीं होंगी ना, वो तो प्रॉपर टेस्ट सीरीज है, समझते हो? टेस्ट सीरीज मतलब टाइम शुरू हो जाएगा ऊपर 1 घंटा, 1 बाय 1 क्वेश्चन आप चेंज कर सकते हो, मतलब प्रॉपर ऑनलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है 12 बजे संडे को, और शाम को उसी टेस्ट का डिस्कशन है 6 बजे। ठीक है जी बेटा कौन है ये जो कह रहे हैं शिखर बैच का क्या हुआ? शिखर बैच ही तो चल रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था यार बैच का नाम चेंज हो सकता है, लेकिन क्या टीचर चेंज हो रहा है, पढ़ाने का ऑर्डर चेंज हो रहा है? तुम्हें बैच के नाम से प्यार है या टीचर से प्यार है या सब्जेक्ट से प्यार है? जो हम वहां कर चुके थे वो डन है, अब हम आगे 11th कर रहे हैं। आपको इस हिसाब से सोचना है, बड़े पर्सपेक्टिव में सोचा करो, छोटी छोटी चीजों में मत जाओ। आज 75 हार्ड है, देखो कल को मैं इसको 100 हार्ड कर दूं, फिर नेम कैन चेंज बट योर कॉन्टेंट, द ऑर्डर, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है जी, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ओके चलिए शुरू करते हैं। अब आप देख रहे होंगे मैं आपके सामने आज एनसीईआरटी भी लेके आई हूँ। वाई? बिकॉज इस चैप्टर में जैसा मैंने आपको बताया था, एनसीईआरटी साइमल्टेनियसली अपने पास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर आएगा तो 100% एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। मोस्ट प्रॉब्ली इस चैप्टर में से मैच द फॉलोइंग बनने के चांसेस होते हैं। क्यों मैच द फॉलोइंग? क्योंकि मैच द फॉलोइंग में एक ही क्वेश्चन में 3-4 फाइलम एक साथ पूछ लेते हैं। तो हमने कल डिस्कस क्या किया था, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। हमने कल डिस्कस किया था कि एनिमल किंगडम में टोटल मेरे पास 9-10 फाइलम आएंगे। याद करने का तरीका PC² PA³ MEHC, ठीक है, प्रिमिटिव टू आपका एडवांस्ड। PC² MEH तक सारे क्या है, नॉन कॉर्डेट, क्योंकि उनके पास किसी भी स्टेज में नोटोकॉर्ड नहीं होती है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट किस स्टेज में आती है? लास्ट वाले फाइलम में, जिसका नाम है कॉर्डेटा, जिसमें हम प्रस्तुत है, तो उनको कॉर्डेट्स बोलते हैं। बाकियों को क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्डेट्स बोलेंगे। फिर हमने डिस्कस किया कि यार किस किस बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये सारे बेसिस हमने डिस्कस किए। आज बेटा जी हम करने वाले हैं अपना पॉरीफेरा। यस और मैं एक और बात बता दूं, जो बच्चा बैच के नाम पे अभी अटका हुआ है ना, वो बच्चा क्लास लगाने 2 महीने पहले आया था, रोज आता ही नहीं है। जो रोज नहीं आता है ना, वही ऐसी बातें पूछता है आके। जो रोज आता है उसको पता है कि यार नीट के बाद यहाँ पर डेली तैयारी चल रही है, हर दिन तैयारी चल रही है। अब तुम रह के आओगे, महीने बाद आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे तो मैं पढ़ता होता था, जेनेटिक्स की थी मैंने यहाँ से, अरे उसका नाम तो शिखर बैच था, नाम कैसे चेंज हो गया, कहाँ गया मेरा बैच, मेरा बैच कहाँ गया। ऐसी बातें वही करते हैं। जो रेगुलर आता है उसको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, बैच के नाम पर नहीं, बैच के कंटेंट पर, बैच के टीचर पर, बैच के क्वेश्चंस पर जाइए। ठीक है, यस। हाँ, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर होगा? बहुत आगे, बहुत आगे। चलो एक बार बेटा जी मैं यहाँ से डिस्कस करती हूँ, क्योंकि मैं इसको साइमल्टेनियसली लेकर चलूंगी। पॉरीफेरा क्या है, ध्यान से देखिए। पॉरीफेरा फर्स्ट फाइलम PC², पहले मैं C² तक बात करूंगी, उसके बाद आगे बताऊंगी। पॉरीफेरा में नाम में आ रहा है दीज आर पोर बियरिंग एनिमल्स। क्या होंगे इनके पास, इनकी बॉडी में क्या प्रस्तुत होंगे बेटा जी? पोर्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि इनकी बॉडी बिल्कुल स्पंज की तरह है। स्पंज समझते हो? स्पंज में क्या होता था, स्पंज में बेटा जी पोर्स होते हैं जिससे पानी भर जाता था। इनकी बॉडी में भी क्या प्रेजेंट है? पोर्स प्रेजेंट है, जिनमें पानी भर भी जाता है और पानी निकल भी जाता है। भाई स्पंज देखिए ना तुमने, पानी चला जाएगा, ऐसे दबाओगे पानी बाहर भी आ जाएगा, बिल्कुल वैसी बॉडी है। कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि मैंने कल बताया था। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा में कैसा रहेगा, बिल्कुल बेसिक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनके पास टिश्यू नहीं बनते हैं, सेलुलर लेवल रहता है। मतलब यही सेलुलर लेवल आपस में क्या करेगा, आपस में क्या करेगा, डिविजन ऑफ लेबर करेगा। ठीक है, डिविजन ऑफ लेबर करेगा यही वाला सेलुलर लेवल। ठीक है मेरे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया लोअर ऑर्गेनिज्म हमेशा किस में रहते हैं, पानी में। वैसे ही बेटा ये पॉरीफेरा तो पहला फाइलम है, पहला फाइलम तो कहां पर रहेगा, पानी में रहेगा, यानी कि ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू दिस फाइलम दे आर एक्वाटिक इन नेचर, है कि नहीं? कहां पर पाए जाएंगे, पानी में। अब पानी तो 2 तरीके का है, वी हैव फ्रेश वाटर, वी हैव मरीन वाटर। मोस्टली बेटा जी, मोस्टली कहां पर रहते हैं ये, मरीन वाटर में रहते हैं, लेकिन बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। आपको कुछ यहाँ पर फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस भी मिल जाते हैं जिस पे सवाल आता है, एंड दैट फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इज नन अदर देन स्पॉन्जिला। इसको याद कर लो कि भैया फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सी है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम बताइए, दैट इज गोइंग टू बी स्पॉन्जिला। इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, कहीं भी कैसे भी आ सकती है। दूसरी चीज आती है कि यार पानी में पाए जाते हैं, मरीन भी देख लिया और फ्रेश वाटर भी हमने नाम याद कर लिया। सिमेट्री कैसी होगी, क्या इनकी कोई शेप है, जरा इधर देख लो, क्या इनकी कोई शेप है, ये बड़ा करके मैं दिखा देती हूँ, क्या इनकी कोई शेप है, कोई शेप नहीं दिख रही यार। इसको कहीं से भी काटो, कैन यू डिवाइड दिस बॉडी इनटू इक्वल हाफ्स, क्या आप इसके इक्वल टुकड़े कर सकते हो, नहीं कर सकते भैया। जब हम इक्वल टुकड़े नहीं कर सकते तो यार ये कहलाते हैं एसिमेट्रिकल। क्या कहलाते हैं, एसिमेट्रिकल। ओके, नेक्स्ट आता है इनका बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का फॉर्म। मैंने बोला इसकी बॉडी में आपको छेद मिलेंगे। पोर का क्या मतलब होता है, पोर का मतलब होता है छेदा, छेद मिलेंगे। तो कैसे मिलते हैं, कितने टाइप के छेद हैं, जरा देख लेते हैं। बेटा इनकी बॉडी, दे आर सेसाइल एनिमल्स, सबस्ट्रैटम से जुड़े होते हैं। ठीक है, किससे जुड़े होते हैं? सबस्ट्रैटम से जुड़े होते हैं। सबस्ट्रैटम समझ गए ना, बेस ऑफ वाटर, पानी में रहते हैं तो उसके बेस से जुड़े होंगे। ये देखिए, यस, कैन यू सी दिस शेड? अब बेटा इसके पास दो तरीके के पोर्स होंगे, ये छोटे छोटे पोर्स हैं, मेरे रेड वाले पेन को देखो, और ये एक बड़ा वाला पोर है। और बेटा जी ये क्या है? एक बड़ा वाला पोर है। ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं, इनमें एंट्री किसके द्वारा, इन पोर्स को बेटा जी क्या बोला जाता है? ऑस्टिया। तो यार दो तरीके के पोर्स मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ, पे अटेंशन एवरीवन। टॉकिंग अबाउट पोर्स, यस, टॉकिंग अबाउट पोर्स, टू टाइप्स ऑफ पोर्स वी विल सी। वन टाइप ऑफ पोर जो कि छोटा वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया, मेरे साथ साथ याद करेंगे। और जो ऊपर बड़ा वाला बताया था ऑस्क्यूलम, ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, सीप पाहुजा बायोलॉजी के नाम से बेटा जी टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सब हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं उम्मीद नहीं करती हूँ कि तुम सिर्फ उस पर डिपेंडेंट होगे, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग डिपेंडेंट अपने हैंड रिटन नोट्स पे होंगे, साथ साथ कुछ कुछ तो एनसीईआरटी में लिख लो यार, कुछ तो लिख लो। ठीक है, तो पानी बेटा जी अंदर जाता है इन छोटे पोर्स के द्वारा, इन छोटे पोर्स के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टिया। ये देखो पानी का मूवमेंट देखना, ब्लू कलर का पानी बना दो, है ना, आज ब्लू है पानी, पानी तो ब्लू पानी पानी बना देते हैं। ये पानी बेटा जी अंदर गया ऑस्टिया से, पहुंच गया इस सेंट्रल जगह में। इस सेंट्रल जगह को बेटा जी एक नाम दिया गया है, दिस इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील। अंदर की कैविटी है ना, स्पॉन्जो सील, अंदर की कैविटी को क्या बोलोगे? स्पॉन्जोसील। फिर बेटा जी फिर पानी यहाँ से स्पॉन्जोसील में पहुंच गया, स्पॉन्जोसील से अल्टीमेटली ऑस्क्यूलम के द्वारा होता हुआ बाहर चला जाएगा। यानी कि एंट्री किसके द्वारा हुई, पता है सब बच्चे चैट सेक्शन में, एंट्री किसके द्वारा हुई? ऑस्टिया के द्वारा। यानी कि ऑस्टिया क्या है मेरा? इनहेलेंट पोर है। कैन आई कॉल दिस एज इनहेलेंट पोर, यस और नो? ऑस्क्यूलम क्या है बेटा जी मेरा? एक्सहेलेंट पोर है। ठीक है, क्योंकि यहां से एग्जिट होता है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर। पानी यहां अंदर गया और यहां से बाहर आया। ठीक है जी, पानी अंदर बाहर, अंदर बाहर, ऐसा क्यों हो रहा है मैम? इनकी बॉडी में पानी बारी बारी क्यों जा रहा है? क्योंकि बेटा ये सेसाइल हैं, ये नीचे जुड़े हुए हैं, ये खुद से कुछ खाना वाना लेने नहीं जा सकते, है ना। अब पेड़ का तो क्या है मैम, बोलो, पेड़ भी सेसाइल है, फिर उसमें पानी डाल दें? पेड़ सेसाइल होते हुए ऑटोट्रॉफिक भी है। ये एनिमल्स हैं, ये एनिमल सेसाइल होते हुए हेटरोट्रॉफिक है। अब भैया खाना अंदर कैसे आएगा, गैमीट्स अंदर कैसे आएंगे, ऑक्सीजन अंदर कैसे आएगी, वेस्ट मटेरियल बाहर कैसे निकलेगा, तो ये सारा चीजों के लिए हम पानी की मदद लेते हैं। तो पानी अंदर जाती है, खाना पीना गैस सब लेके जाएगी, पानी बाहर आता है, खाना, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट गैसेस, एक्सक्रीटरी मटेरियल सब बाहर लेकर जाएगा। तो पानी का मूवमेंट से इनकी बॉडी में ये सारे काम होते हैं। इस प्रॉपर सिस्टम को हम बोलते हैं, जिसमें ऑस्टिया के थ्रू एंट्री, स्पॉन्जोसील, ऑस्क्यूलम के थ्रू एग्जिट, इस पूरे सिस्टम को बेटा जी क्या बोला जाता है? वाटर कैनॉल सिस्टम। वाटर कैनॉल सिस्टम इज द यूनिक, ध्यान से सुनो, इट इज द यूनिक फीचर ऑफ पॉरीफेरा। ये सिर्फ इसमें पाया जाता है, तुम 10 के 10 में देख लो, PC², PA³ MEHC सब में देख लो, किसी में वाटर कैनॉल सिस्टम नहीं पाया जाता। इट इज यूनिक फीचर। यूनिक फीचर को बेटा जी हम क्या बोलेंगे? UF। क्या बोलेंगे? UF। व्हाट इज द UF ऑफ पॉरीफेरा? तुम बोलोगे UF ऑफ पॉरीफेरा इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर कैनॉल सिस्टम। ठीक है जी, मैंने क्या नाम दिया इस सिस्टम को? मैंने इस सिस्टम को नाम दिया वाटर कैनॉल सिस्टम। ठीक है जी, ये इसका यूनिक फीचर है, ये बेटा जी इसका यूनिक फीचर है। किस किस काम आएगा अभी बताया। पहला काम फूड को लेने में, फूड गैदरिंग। ठीक है मेरे बच्चों, और किस काम आएगा? रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन वाली गैस भी तो इसके थ्रू आएगी और CO2 वाली गैस भी इसके थ्रू बाहर चली जाएगी। यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट, इसमें भी काम आएगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट। और बेटा जी गैमीट, जो भी गैमीट अंदर आने हैं वो इसके द्वारा ही आएंगे। ठीक है जी, समझ आ गया। तो सेसाइल होते हुए भी, चिपके हुए होते हुए भी इसमें सारा काम हो रहा है, सामान अंदर भी आ रहा है, सामान बाहर भी जा रहा है, इसको मूव करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, कोई भी जरूरत नहीं है। अब बेटा जी इसका थोड़ा सा एडवांस्ड डायग्राम थोड़ा सा बना लूं, यस एडवांस डायग्राम बना लूं कहते हो तो बना लेते हैं यार, हाँ जी कहते हो, यस बताना बना लें इसका थोड़ा सा एडवांस डायग्राम, इतना बना नहीं हुआ बट कुछ समझाने के लिए मैं बताना चाहती हूं। हाँ जी, यस, इस स्पॉन्जोसील को ही बोलते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। मैं देख रही हूँ तुम्हारे कमेंट्स ही देख रही हूँ। इट इज कॉल्ड एज पैरागैस्ट्रिक कैविटी, इसका ही दूसरा नाम है पैरागैस्ट्रिक कैविटी। यस मेरे बच्चों, इधर ही बना देती हूँ इसी वाले डायग्राम में। देखो इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ जी बेटा, इसके पास प्रेजेंट होती है दो लेयर्स। एक लेयर तो आपको दिखाई दे रही है, ये सेकंड लेयर है। सेकंड लेयर में यहाँ पे आपको इस तरीके के सेल्स दिखाई देंगे, समझ रहे हो, अंदर वाली साइड इस तरीके के सेल्स दिखाई देंगे। दीज आर फ्लैजिलेटेड सेल्स, ठीक है, जो इनकी डाइजेशन में इसकी मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं? डाइजेशन में मदद करते हैं। ये भी यूनिक फीचर है स्पॉन्ज का और किसी में नहीं पाए जाते हैं। इन सेल्स को बेटा जी बोलते हैं हम कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स, ये जो कोएनोसाइट्स हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलर सेल्स एंड देयर फंक्शन इज इन फिल्टर फीडिंग। स्पॉन्जेस के पास फिल्ट्रेशन करने का मतलब जो भी सामान आ रहा है उसको फिल्टर करके डाइजेस्ट करने का ये तरीका है, तभी बेटा जी इसको बोला जाता है फिल्टर फीडर्स। हमारे जो स्पॉन्जेस हैं, मैं ऊपर लिख देती हूँ, यस आवर स्पॉन्जेस दे आर फिल्टर फीडर्स एज द माइक्रोविलाई ऑफ कॉलर सेल फिल्टर्स द सब्सटेंसेस कमिंग विद द वाटर। ठीक है, फिल्टर फीडर्स हैं, यानी कि जो भी खाना आया, इमेजिन करो इस ऑस्कुलम के द्वारा यार पानी आया, पानी में खाना भी आ गया। अब उस खाने को फिल्टर करने का काम इसके माइक्रोवेलाई का है। जो भी प्रॉपरली फिल्टर करके लगा कि यार ये मेरे काम की चीज है, इसको डाइजेस्ट करते हैं, वो किस में चली जाएगी? इन कोएनोसाइट्स में चली जाएगी। यानी कि खाना डाइजेस्ट सेल के अंदर हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा। यहाँ कोई डाइजेशन नहीं हो रही बेटा स्पॉन्जोसील में। डाइजेशन कहाँ हो रही है? इस सेल के अंदर हो रही है। भाई तुम्हारे बताओ, तुम्हारी बॉडी में क्या डाइजेशन सेल के अंदर होती है? बताना। यहाँ तो मुझे पता चल गया, यहाँ तो मुझे पता चल गया यार कैसी डाइजेशन है। ये मेरी इंट्रासेल्युलर डाइजेशन है सेल के अंदर। क्या ह्यूमन में भी डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होती है? हाँ जी। इंट्रासेल्युलर होने का क्या मतलब है? इंट्रासेल्युलर होने का मतलब है कि यार तुम्हारे पास ऐसे स्टमक है, ये स्टमक में ऐसे सेल्स हैं, ऊपर से खाना आया, मान लो ये फूड आया, फूड कह रहा है मैं सेल के अंदर जा रहा हूँ, सेल के अंदर ही डाइजेस्ट होऊंगा। ऐसा होता है? नहीं, हमारा फूड कहता है कि मैं सेल के अंदर नहीं, मैं यहाँ बाहर बैठा हूँ, सेल को एंजाइम बाहर डालने पड़ेंगे कैविटी में। डाइजेशन ह्यूमन में कहाँ पर होती है? कैविटी में होती है। लेकिन स्पॉन्जेस में ऐसा नहीं है। स्पॉन्जेस लोअर ऑर्गेनिज्म है। लोअर ऑर्गेनिज्म में खाना बाहर नहीं, खाना सेल के अंदर डाइजेस्ट होता है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। साथ ही में इसकी बॉडी पर, इस जगह पर, ये देखिए इसकी बॉडी पर यहाँ पर ऐसे, लेट मी चेंज द कलर, इसकी बॉडी पर बेटा जी इस तरीके से ना स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये इसका स्केलेटन बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? स्केलेटन बनाते हैं। तो टॉकिंग अबाउट दी स्केलेटन ऑफ दी स्पॉन्जेस, दिस इज मेड बाय स्पॉन्जिन फाइबर्स, स्पॉन्जिन फाइबर, सब नाम रिलेटेड है यार, प्लस स्पिक्यूल्स, प्लस स्पिक्यूल्स। ये कैल्शियम के भी हो सकते हैं, कैलकेरियस, सिलिका के भी हो सकते हैं, सिलिशियस स्पिक्यूल्स। ठीक है जी। चलिए अब एक बार मैं यहाँ से दिखा दूं आपको। इतना देख लिया, ये मैंने मेन बातें बता दी हैं। इसमें मेन बात एक और भी है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं दो लेयर्स दिखाई दे रही हैं। एक आपको ये व्हाइट कलर की लेयर दिख रही है और एक ये अंदर वाली लेयर दिख रही है। ये जो बाहर वाली लेयर है इसका भी नाम है, दिस इज कॉल्ड एज पिनाकोडर्म, दिस वन इज कॉल्ड एज पिनाकोडर्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास पिनाकोसाइट्स होते हैं, हमने बनाए नहीं बट होते हैं। ये अंदर वाली जो लेयर है जहाँ कोएनोसाइट्स दिखाई दे रहे हैं, इसका भी नाम है आसान सा, दिस विल इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज कोएनोडर्म। कोएनोसाइट वाली लेयर क्या हो जाएगी? कोएनोडर्म। आसान, ठीक है जी, आसान। चलो अब मैं आपको जरा एनसीईआरटी लेकर आऊं। ये रही, ये मैं छोटा कर दूंगी, डोंट वरी, पीछे का गायब नहीं होगा, आई कैन चेंज इट साइज। समझाने के लिए मैंने इसको बड़ा किया है, वैसे मैं इसको बाद में लास्ट में छोटा करके लगा दूंगी। ओके जी, चलिए अब देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से क्या बोलेंगे इसके मेंबर्स को मेरे साथ साथ। अरे ये क्या हो गया यार? हाँ अब ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? रुको, हाँ ऐसे बड़ा कर लेते हैं, दिस इज ओके। बेटा मैं तुमको और भी बहुत कुछ बताऊंगा, मोहम्मद आजम कह रहे हैं। ये किससे बात करते हो यार तुम लोग? मिस्टर आजम ये बात किससे करते हो? मतलब मैं तुमको कुछ और भी बताऊंगा, क्या बताऊंगा? हैं बेटा पॉरीफेरा मैंने ब्लाइंड सैक में लिखा ही नहीं था, मैंने तो सेल एग्रीगेट में लिखा था। ब्लाइंड सैक तो शुरू ही सीलेंट्रेटा से होता है, सेल एग्रीगेट में आता है पॉरीफेरा। ध्यान से देखो कल वाला। हाँ जी यस, आ जाओ इधर। हाँ जी चलिए आ जाते हैं पॉरीफेरा पे। एक क्लास में जिसने एनरोल नहीं किया ना उसके बढ़िया वाले नोट्स मिस हो जाएंगे। अब तुम देख लेना तुम्हें मिस करना है या वो 50 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं और पूरे फ्रॉग को रिवाइज करना है मेरे साथ। यहाँ पे पिन करी हुई है मैंने क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है? बीच में फ्रॉग बैठा भी है, ये मिस हो जाएंगे आपके सारे नोट्स। ओके आ जाइए। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम बेटा, ओहो मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम बेटा जी दे आर कॉल्ड एज स्पॉन्जेस, ठीक है? मरीन होते हैं बट एसिमेट्रिकल होते हैं, प्रिमिटिव होंगे, मल्टी सेलर है अपन को पता है, सेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये भी पता है, वाटर कैनॉल सिस्टम है जो कि इसका यूएफ है, ठीक है? पानी अंदर कहाँ से जाता है? ऑस्टिया। कहाँ पहुंचता है? पैरागैस्ट्रिक कैविटी दैट इज स्पॉन्जोसील। बाहर कहाँ से आता है? ऑस्कुलम में आता है। इस पूरे पाथवे को जिसमें खाना लेते हैं, गैसेस है और रिमूवल ऑफ वेस्ट है। इसने गैमीट नहीं लिखा बट गैमीट ट्रांसफर भी होता है, किसके द्वारा होगा? कैनॉल सिस्टम के द्वारा। फिर बेटा जी इसके पास स्पेशल टाइप के सेल है, बात होगी क्वानोसाइट कॉलर सेल, ठीक है? डाइजेशन अंदर होती है, बॉडी में स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं। हाँ अब बात आती है इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन पे जरा फोकस करना। रिप्रोडक्शन की बात करूं तो यार स्पॉन्जेस दे आर हरमेफ्रोडाइट। हरमेफ्रोडाइट का क्या मतलब होता है? मेल एंड फीमेल सेक्स सब एक में ही प्रेजेंट है, यानी कि बेटा जी सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, वी आर नॉट हरमेफ्रोडाइट। बेटा हम लोग में सेक्सेस सेपरेट है, मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है। यहाँ पर एक ही बॉडी में मेल और फीमेल प्रेजेंट हैं। दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल। स्पॉन्ज बेटा जी एसेक्सुअल कैसे रिप्रोड्यूस करती है? फ्रैगमेंटेशन। सेक्सुअल कैसे रिप्रोड्यूस करती है? गैमीट्स के द्वारा। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा और इसमें लार्वल स्टेज भी इन्वॉल्व है। बात समझ आई? बात समझ आई? इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकती हूं? तो यार मैं लिख सकती हूं रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया क्या है, ये हरमेफ्रोडाइट हैं, ठीक है जी? हरमेफ्रोडाइट हैं, मेल और फीमेल एक ही बॉडी बनाती है, ठीक है? मेल और फीमेल एक ही बॉडी बनाती है, लेकिन फिर भी ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं बॉडी के अंदर। अभी बताती हूँ कैसे। तो पहले लिखते हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल बेटा जी करते हैं वाया फ्रैगमेंटेशन। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये बेटा जी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्पॉन्जेस एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो तुम बोलोगे बाय फ्रैगमेंटेशन रिप्रोड्यूस करते हैं। अगली चीज बेटा जी यहाँ पर आती है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगी, पानी में नहीं होगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या मेटामॉर्फोसिस है? हाँ। क्या लार्वा प्रेजेंट है? हाँ लार्वा इसमें प्रेजेंट है जो कि काफी अलग है। एम्फीब्लास्टुला, पैरेन्काइमुला लार्वा होता है। पहले जब हम पुरानी एनसीईआरटी फॉलो करते थे तो लिखवाते थे लार्वा के बारे में। इनफैक्ट वी ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट द क्लासेस ऑफ दिस फाइलम, बट अब हम उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। याद रखना है ये आखिरी लाइन जो लिखी हुई है ना बेटा बच्चों, ये जो गॉड इसको जूम ही करना पड़ेगा। ये जो आखिरी लाइन लिखी हुई है ना बेटा, दैट द लार्वा इज मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब लार्वा एडल्ट से मिलता नहीं है, इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। गॉट इट? फोटो देख लो यहाँ पर। तीन तरीके के स्पॉन्जेस की बेटा जी फोटो दी हुई है। पहला ये तीसरा नंबर देख लो, स्पॉन्जिला दिख रहा है, दिस वन इज स्पॉन्जिला। ये जो नीचे दिया हुआ है स्पॉन्जिला की खास बात क्या है कि यार ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। कैसी? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। ऊपर क्या दिया हुआ है? साइकॉन। और ये दी हुई है बाथ स्पॉन्ज। दिस बाथ स्पॉन्ज इज कॉल्ड एज यू स्पॉन्जिया। आपको बाथ स्पॉन्ज के नाम से भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। दिस इज कॉल्ड एज यू स्पॉन्जिया। मैं फोटो पे क्यों जोर दे रही हूँ? क्योंकि फोटो बनके आपको रिकग्नाइज करने के लिए भी आ सकती है, ठीक है जी? और भी स्पॉन्जेस होती हैं जैसे कि यूप्लेक्टेला, ठीक है जी, जो कि वीनस फ्लावर बास्केट है, जिसको जापान में एज अ वेडिंग गिफ्ट भी दिया जाता है। और भी है हाइलोनीमा, ग्लास रोप स्पॉन्ज, बहुत सारी स्पॉन्जेस हैं। तो मैं नाम लिखूं कि ना लिखूं? इसको थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं। कहाँ लिखें, पेज भर गया हमारा। यहाँ लिख देती हूँ। अनदर एग्जाम्पल आर यूप्लेक्टेला दैट इज वीनस फ्लावर बास्केट। इसको क्यों बेटा जी वेडिंग गिफ्ट दिया जाता है? क्योंकि इसके अंदर शिम्प्स रहते हैं, ठीक है जी, तो वो यूनियन टिल डेथ है। तो शादी में अगर किसी को हम आशीर्वाद दें तो क्या आशीर्वाद दोगे कि भाई तुम हमेशा 7 जन्मों साथ रहो। यही है वो गिफ्ट का रिप्रेजेंटेशन। यूप्लेक्टेला वीनस फ्लावर बास्केट, हाइलोनीमा ग्लास रोप स्पॉन्ज, ठीक है जी। यस, देखिए मोनोशियस डायोशियस वर्ड यूजुअली हम यहाँ यूज नहीं करते हैं बेटा जी, ठीक है जी, यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। कर सकते हो, बाइसेक्सुअल बोल लो, मोनोशियस बोल लो, हर्माफ्रोडाइट ही है। यस यू कैन, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोशियस मतलब एक बॉडी, मोनो मतलब वन बॉडी, एक ही बॉडी में मेल सेक्स भी है फीमेल सेक्स भी बन रहा है, ठीक है जी। यस, बाइसेक्सुअल मतलब 2 टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन वन बॉडी। अगेन हर्माफ्रोडाइट बोल लो, मोनोशियस बोल लो, बाइसेक्सुअल बोल लो, ऐड कर लो यार यहाँ पर, बढ़िया इसने इंट्रोड्यूस करा दिया। दिस यू कैन टाइप इट एज मोनोशियस एंड बाइसेक्सुअल। तो विद दिस वी आर डन विद वन फाइलम पॉरीफेरा। क्या पॉरीफेरा की बात क्लियर हुई मेरे बच्चों? यस, क्या पॉरीफेरा की बात, हाँ ल्यूकोसोलेनिया, अगेन राइट एग्जांपल। क्या पॉरीफेरा की बात क्लियर हुई? यस, बता दो फटाफट से, सब बच्चों को हो गया क्लियर पॉरीफेरा। अगले फाइलम पे जाने वाली हूँ, ये थोड़ा सा उससे बड़ा है, दैट इज सीलेंट्रेटा। जैसे जैसे आगे जाएंगे ना फाइलम का जो हिसाब है वो कम होता जाएगा। सीलेंट्रेटा की बात करें, अभी भी ऑर्गेनिज्म बेटा पानी में घूम रहे हैं, धीरे धीरे लैंड पर आएंगे, अभी प्रॉपरली लैंड पर नहीं आए हैं, यानी कि ये भी क्या होंगे, दीज आर ऑल्सो मरीन, ठीक है, बट फ्यू फ्रेश वाटर भी होंगे। हाइड्रा इसमें एक्सेप्शन है, ये एक फ्रेश वाटर पॉलिप है। अब पॉलिप क्या होता है अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। पॉलिप है, फ्रेश वाटर सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा सेकंड फाइलम पीसी स्क्वायर पर आ गए हैं। यस मेरे बच्चों, अब सीलेंट्रेटा अकेले भी रह सकते हैं या कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं, मर्जी है बेटा इनकी, ठीक है। सो दे कैन आइदर लिव अलोन, अलोन को बोलते हैं सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब अकेले रहना। कौन रहता है अकेले? हाइड्रा रहता है अकेले। अब बेटा जी जरूरी नहीं है, ये झुंड बनाकर भी रह सकते हैं, जैसे बेटा महल्ले में आंटियों का झुंड होता है ना, वैसे ही झुंड भी बना के रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको फायदा होता है खाने पीने में, प्रोटेक्ट करने में। कॉलोनियल में बेटा जी आपके पास आ जाएगा फाइसेलिया, गोर्गोनिया। बेटा जी अगर मैं किसी को अंडरलाइन ना करूँ ना तो ये मत सोचना मैम ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा, वो बाई चांस रह जाता है, ठीक है, मुझे भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आता है, मैं नहीं पढ़ाया था आपको, ठीक है जी। तो अंडरलाइन मैं यूजुअली कर देती हूँ, बट अगर मिस हो जाए तो बड़े गलतियां निकालने वाले लोग ज्यादा है ना, अगर मिस हो जाए तो समझ जाना। यस, तो समझ जाना, ओके जी। चलिए, तो सॉलिटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, एंड बेटा जी ये सबस्ट्रैटम में अटैच भी हो सकते हैं और फ्री फ्लोटिंग भी हो सकते हैं। मैं अभी आपको भी फोटो दिखाऊंगी। मैंने एक्चुअल में अभी आई वेंट टू सिंगापुर एंड वहाँ पर आई वेंट टू अ सी एक्वेरियम, वहाँ पर मैंने बहुत सारे सीलेंट्रेट्स को सामने पहली बार देखा। मैंने आपको बताया था ना मैं जू भी पहली बार इसी साल गई हूँ, एंड इसी साल ही मैंने सच में असल में सीलेंट्रेट्स को देखा। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एंड मतलब देख के आपको मज़ा आ जाएगा कि यार ये भी प्लांट्स हैं, ये भी एनिमल्स हैं, ठीक है जी। तो यार ये सिसाइल भी हो सकते हैं, अभी मैं फोटो दिखाऊंगी अपनी दिखाऊंगी, और दे कुड बी फ्री फ्लोटिंग ऑल्सो, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है जी। जैसे कि फ्री फ्लोटिंग में आपके पास एग्जांपल आ जाएगा ओरेलिया जेलीफिश, यही दिखाऊंगी, मैंने ओरेलिया ही देखी थी, दैट इज जेलीफिश। आज मैं काफी सारे देख के आई थी बेटा, वहां पर मैंने एक आइनोडर्म भी देखे थे, ये भी देखे थे, तो मैं आपको सारे दिखाऊंगी आज फोटो में, ठीक है। चलिए सिमेट्री की बात करिए, सिमेट्री आगे बढ़ जाइए, एसिमेट्रिक से रेडियल सिमेट्री होगी, बताओ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? टिश्यू लेवल। अब हम सेल से टिश्यू लेवल पर आ चुके हैं, आ जाएं? अच्छा एक बात बताइए यार, क्लास में आने के बाद एक चीज मैं रोज बोलती हूँ, लेकिन तुम्हारे कान पर जू नहीं रेंगती उसकी, है ना, फर्क ही नहीं पड़ता कि यार मैडम क्यों बोल रही है। एक चीज मैं रोज बोलती हूँ लेकिन तुम करते नहीं हो, अगर मैं ना बोलूँ तो बता दो वो क्या चीज़ है। यस, लाइक नहीं किया, अटेंडेंस नहीं लगी, आज की अटेंडेंस नहीं लगी है, और मैं यहाँ देख रही हूँ तुम्हारा एनरोलमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। रुको, यहाँ से ही पकड़ती हूँ तुमको, क्योंकि ना तुम बोल देते हो हमने एनरोल कर लिया, लेकिन तुम्हें पकड़ पकड़ के क्लास में बिठाना पड़ता है। हाँ जी, हाँ देखो नहीं हुआ, नहीं हुआ। फटाफट से जितने बच्चे देख रहे हैं उतने लाइक्स होने चाहिए क्लास में जितने बच्चे देख रहे हैं उतने लाइक्स मुझे चाहिए। हाँ जी, टिश्यू लेवल है, मतलब इसमें टिश्यू बन रहे हैं। टिश्यू, जायगोट, जायगोट के बाद एम्ब्रियो। अगर मतलब एम्ब्रियो मैं आपको वैसे बता रही हूँ, दे आर नॉट एम्ब्रियोफाइट, एम्ब्रियोनिक, बट इसमें टिश्यू बनाने के लिए हमें जर्मिनल लेयर्स चाहिए, और जर्मिनल लेयर्स हमने करा था या तो 2 होंगी या 3 होंगी। शुरुआत ही यहाँ से होती है ना, क्योंकि टिश्यू पहली बार ही यहाँ पर बन रहा है, वहां पर तो कुछ भी नहीं है यार। वहां पर अगर मैं आपको सच्चाई बता दूं पॉरीफेरा की, पॉरीफेरा के पास तो नर्व्स के नाम पे, नर्वस सिस्टम के नाम पे एक भी सेल नहीं है। आप मानेंगे नहीं बेटा, पॉरीफेरा के पास देयर इज नॉट इवन अ सिंगल सेल, सिंगल नर्व सेल नहीं है। तो यार वहां की तो बात ही मत करिए, असल में टिश्यू यहाँ प्रेजेंट है। तो यार इनके पास जर्म लेयर होनी जरूरी है, कितनी होंगी? लोअर वाला ही होगा मामला, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक। कैसा होगा मामला? डिप्लोब्लास्टिक। ओके जी, यस। इनके पास भी प्रॉपर बॉडी में सेंट्रल कैविटी है। जरा ध्यान देते हैं, फटाफट से मैं हाइड्रा बनाती हूँ ये बना हुआ है, इसी को जूम कर देती हूँ। कैन यू सी दिस हाइड्रा? हाँ जी, अडामजिया बना दिया, बट हाइड्रा भी ऐसा दिखता है। एक मिनट रुकिए, यस मेरे बच्चों। तो मैं क्या कह रही थी, दे हैव ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, कल हमने किया, यानी कि एंट्री और एग्जिट इसी एक जगह से होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? माउथ प्रेजेंट है। अंदर बेटा जी इनकी कैविटी होगी कोई ना कोई। ठीक है, इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे वहां स्पॉन्जोसील थी, इस कैविटी को बेटा जी बोलेंगे पैरा गैस्ट्रिक कैविटी। क्या बोलोगे बेटा जी? पैरा गैस्ट्रिक कैविटी। गैस्ट्रिक क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन ऑफ फूड होगा। ठीक है जी, क्या होगा? डाइजेशन ऑफ फूड होगा। अब यहाँ पर सारा इंटरनल नहीं है, यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन है, मतलब कुछ जो है डाइजेशन वो बाहर इस कैविटी में हो जाएगा, बचा हुआ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड सेल के अंदर जाकर डाइजेशन करेगा। समझ रहे हो? यस, मतलब पहले डाइजेशन थोड़ा सा बाहर हो गया एक्स्ट्रा सेलर, फिर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड बेटा जी इस बॉडी वॉल के अराउंड जो लाइनिंग है वहां पर सेल्स होंगे, सेल के अंदर जाएंगे, वहां पर होगा। हम धीरे धीरे अल्टीमेटली ह्यूमन तक पहुंचना चाहते हैं। ह्यूमन में सारा एक्स्ट्रा है, पॉरीफेरा में सारा इंट्रा है। समझ रहे हो? यस, गेटिंग माय पॉइंट? ये देखो इधर, इसमें सारा इंट्रा है, इसमें सारा एक्स्ट्रा है। हम अल्टीमेटली यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, तो बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेज तो होगी जिसमें दोनों हो रहे हैं, पहले एक्स्ट्रा और फिर क्या हो रहा है? इंट्रा, है ना। तो ये एक तरीके की आपकी इंटरमीडिएट स्टेज बनती है। मतलब अगर मैं डाइजेशन की बात करूं, पहले यहां पर फर्स्ट डाइजेशन इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर के बाद लेटर ऑन वी विल मूव टू इंट्रा सेलुलर। ठीक है जी, तो दोनों तरीके का है, पहले एक्स्ट्रा एंड देन मूविंग ऑन टू इंट्रा। ओके, चलिए। कौन बोल रहा है लिंक इज नॉट वर्किंग? नो, इट इज वर्किंग, आई जस्ट चेक्ड, इट इज वर्किंग। सब काम कर रहा है बेटा। मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था आपको, पता नहीं आप देखते हो कि नहीं देखते हो। यस, स्केलेटन बेटा जी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, देयर स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जितनी भी कॉरल्स है ना बेटा, वो इसी फाइलम में आती हैं, सारी की सारी कोरल्स कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है हार्ड स्केलेटन, कोरल्स। जब भी आप बीच पे जाएंगे ना, कल को आप जाएंगे पार्टी पे, क्या कह रहे हो, पार्टी पे, या कल को मतलब आप जाएंगे कहाँ, ट्रिप पे, पार्टी कह रहे हो, ट्रिप पे जाएंगे कॉलेज के साथ, गोवा जाएंगे, अंडमान जाएंगे, बहुत जब एमबीबीएस कर लेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में आप मालदीव्स जाएं, या फिर श्रीलंका जाएं, मतलब समुद्री तट के नज़दीक जाएंगे तो आपको बेटा जी वहाँ पर कोरल्स देखने को मिलती है. व्हेन यू गो फॉर स्कूबा डाइविंग, व्हेन यू गो फॉर स्नॉर्कलिंग ओवर देयर, तो जब पानी के नीचे जाते हो ना तो ये सब एक्वाटिक हैं, तो नीचे क्या दिखेगा, मछली दिखेगी और ये सब दिखेंगे, है ना. सीलेंट्रेटा आपको वहाँ पर दिखेंगे, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सीलेंट्रेट्स यू विल सी अंडर वाटर. ठीक है जी, यस. अब बेटा जी इसकी बॉडी फॉर्म दो तरीके से हो सकती है. जैसा मैंने बोला ये सेसाइल भी हो सकते हैं, सेसाइल मतलब जुड़े हुए देखो, या फिर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं. तो टू टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म्स कुड बी देयर, आइदर दे कुड बी फ्री लिविंग लाइक दिस और दे कुड बी सेसाइल लाइक दिस. ठीक है, ये जो इनकी फ्री लिविंग फॉर्म है ऐसे अम्ब्रेला की तरह ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, अभी फोटो दिखाती हूँ, ऐसे इस तरीके से घूमते रहते हैं. ये बेटा जी क्या कहलाते हैं, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज मेड्यूसे. यस, इस फॉर्म को बेटा जी क्या बोलते हैं आप, मेड्यूसे. ठीक है जी. और ये जो सेसाइल वाली फॉर्म है इस फॉर्म को बेटा जी हम लोग बोलते हैं पॉलिप, यानी कि मेड्यूसा इसकी फ्री लिविंग फॉर्म है एंड बेटा जी पॉलिप आपका फिक्स्ड सेसाइल फॉर्म है. अब मैम आप ये बता दो कि क्या ये मेड्यूसा में है, क्या ये पॉलिप में है, या दोनों में. अब हर टाइप का बेटा सीलेंट्रेट है. कुछ सीलेंट्रेट ऐसे हैं जो जिंदगी भर मेड्यूसे में रहते हैं, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे. कुछ सीलेंट्रेट ऐसे हैं जो हमेशा ऐसे रहेंगे, पॉलिप फॉर्म में रहेंगे. और कुछ सीलेंट्रेट बेटा जी ऐसे हैं जो दल बदलू है, इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब उनकी जिंदगी में मेड्यूसा भी आता है और उनकी जिंदगी में पॉलिप भी आता है. ठीक है जी. तो पहले कर लेते हैं ओनली मेड्यूसे वाले कौन है. यस, ओनली मेड्यूसा वाला कौन है. हियर द एग्जांपल इज गोइंग टू बी ओरेलिया. मेड्यूसा फॉर्म में ये जेलीफिश एग्जिस्ट करती है जिसकी फोटो मेरे पास है. यस, दैट इज ओरेलिया. अभी दिखाती हूँ. ओनली पॉलिप फॉर्म में बेटा जी मेरे पास कौन है, दैट इज हाइड्रा. अभी बनाया था ना, हाइड्रा इज ओनली पॉलिप, अडामजिया इज ओनली पॉलिप. फिर मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे भी हैं जो कि दल बदलू हैं. मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप बना लेता है और उनमें पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा बना लेता है. यानी कि कुछ दल बदलू हैं, वो अल्टरनेट करते रहते हैं, मेड्यूसा टू पॉलिप, पॉलिप टू मेड्यूसा, है ना जी. इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, इस प्रोसेस को बेटा जी हमने नाम दिया ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन. क्या नाम दिया, ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन. ठीक है जी, याद रखना है मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. ये ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन कौन शो करता है. यस, दिस इज शोन बाय फाइसेलिया, दैट इज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, एंड दिस इज शोन बाय ओबेलिया. राइट, तो ये दोनों कौन क्या करते हैं, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन. तो फटाफट से मेरे साथ बताओ, ओनली पॉलिप कौन से हैं, ओनली पॉलिप कौन से है, हाइड्रा. ओनली मेड्यूसे कौन से हैं, ओरेलिया. दोनों कौन से ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन वाले, फाइसेलिया एंड ओबेलिया. ठीक है जी. ओनली पॉलिप ऐसे बैठेगा, उसके टेंटिकल्स ऊपर हैं, वो सेसाइल है. ओनली मेड्यूसा ऐसे घूमता रहेगा, फ्री फ्लोटिंग, दैट इज जेलीफिश. मैं अभी दिखाती हूँ जेलीफिश की फोटो, दिखा दूं, तब तक लिख लो. यस, लेट मी शो यू, गेट रेडी बच्चों. अभी हाँ, यस, एक मिनट रुकिए. Yes, showing this. एक मिनट रुको, इस पेज पे मैं लेके आती हूँ ताकि हम zoom कर पाए. Can you see, guys? क्या आप देख पा रहे हैं? ये मैं हूँ, लेकिन इसमें मेरी आंखें बंद आ रही हैं, कोई बात नहीं, बट मैं आंखें खोल के देख रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है. ये देखिए, ये देखो अम्ब्रेला शेप, मेड्यूसा चल रहा है इनका. हाँ जी. ये देखिए बेटा, दीज ऑल आर मेड्यूसे. ये सब क्या है, मेड्यूसा. और दिखाती हूँ. ओके, ये सब क्या है, मेड्यूसे. और डालती हूँ इसी जगह पर. ये भी आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे दूंगी, है ना. ये देखिए, दिख रहा है. एंड दे यूज टू मूव। इस पे वीडियो नहीं चल पाएगा, नहीं तो मैं वीडियो दिखाती आपको कि किस तरीके से बेटा ये तैरते रहते। तो जब आप स्कूबा डाइव वगैरह करते हो ना तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। हाँ जी, दिस इज बेटा जी सिंगापुर में मैंने देखा था ये, इट वॉज रियली गुड एक्सपीरियंस। हाँ जी मेरे बच्चों, चलिए अब इनका नाम अब आपको पता चल गया। ओनली मेड्यूसे कौन से हैं, ओनली पॉलिप कौन से, और बोथ मेड्यूसे एंड पॉलिप कौन से। ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन कौन शो करेंगे, जो बोथ पॉलिप एंड मेड्यूसा है, जो बोथ पॉलिप एंड मेड्यूसा है। ठीक है, अच्छा अब जरा इस फोटो पे ध्यान दो। एक तो यार इनका नाम है सिलेंड्रेटा, समझ आ गया। इनका बेटा जी एक निकनेम भी है, जैसे तुम्हारा भी तो निकनेम है, यहाँ जो थोड़ा सा हेल्दी है उसका निकनेम है भोलू, या बड़ा इनोसेंट है उसका निकनेम है भोलू, या सुंदर है तो सोना, कुछ भी हो सकता है। मतलब निकनेम है ना आपके, अपने अपने निकनेम बताओ। चलो यस, अपने अपने निकनेम बताइए। हाँ जी निकनेम होते हैं, वैसे बेटा इसका भी एक निकनेम है, जैसे जैसा कि मैंने बताया। अपना बताएं बेटा, इसका मत बताएं। हैं श्यामू, ओके, मून, मून मुझे भी बोलते होते थे छोटे होते। हाँ जी, तो जैसे बेटा जी हम निकनेम रखते हैं डिपेंडिंग कि वो बच्चा कैसा दिख रहा है या उसका नेचर किस टाइप का है। जो बहुत भोला है, इनोसेंट है, उसको भोलू बोल लेते हैं, है ना, या फिर बहुत क्यूट है उसको गुड़िया टाइप बोल लेंगे। तो इस तरीके से निकनेम्स होते हैं। वैसे बेटा जी इसका भी एक निकनेम है, इसको बोला जाता है नाइडेरिया। यस, अब निकनेम ऐसे बिना मतलब के तो नहीं रखा, कोई तो रीजन होगा, माँ बाप को कुछ तो पसंद आया होगा। नाइडेरिया बेटा जी इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नाइडोब्लास्ट्स। यस, इनके पास क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, नाइडोब्लास्ट, सेल का नाम है। इस नाइडोब्लास्ट के अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होता है जिसको हम बोलते हैं नेमेटोसिस्ट। नेमेटोसिस्ट क्या है, स्टिंगिंग कैप्सूल है, स्टिंगिंग कैप्सूल है। ये इनको अपने प्रेडेटर से बचने में काम आता है। जरा ये फोटो देख लो यहाँ पर नाइडोब्लास्ट की, ठीक है, दिख रहा है, ये नाइडोब्लास्ट है। इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया स्टिंगिंग कैप्सूल होगा जिसको हमने बोला नेमेटोसिस्ट। ठीक है, पूरे सेल का नाम नाइडोब्लास्ट और बीच का स्टिंगिंग कैप्सूल नेमेटोसिस्ट। अब इस नेमेटोसिस्ट में ये जो धागा है ना, एक्चुअली में धागा यहाँ पे ऐसे गोल गोल प्रेजेंट होता है। जब इनको खतरा होता है, मान लो इन्होंने, इनको किसी चीज ने टच किया, इस जगह पे टच किया, मान लो नाइडोसेल पे, दिस इज नाइडोसेल, तो ये ट्रिगर हो जाते हैं। ट्रिगर होने के बाद बेटा जी ये धागा निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है, जैसे तुम्हें यहाँ देख रहा है। दिस धागा इज कॉल्ड एज थ्रेड ट्यूब। क्या बोलते हैं, थ्रेड ट्यूब। ऐसे बाहर नहीं आता, ये कहाँ बैठा होता है, ये सारे बेटा जी बैठे होते हैं इधर, ये देखो, ये है ना, यहाँ बैठा है नाइडोब्लास्ट, यहाँ बैठा है नाइडोब्लास्ट, चुप करके बैठे हैं। जब तक इनको कोई टच नहीं करेगा तब तक बेटा जी चुप करके बैठे हैं, ठीक है, ऐसे टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब इनको टच करता है, कोई इरिटेशन होती है, तब बेटा जी चुप करके नहीं बैठते, इनके अंदर का थ्रेड ट्यूब क्या होता है, बाहर आ जाता है। थ्रेड ट्यूब बाहर आने से अल्टीमेटली क्या रिलीज होगा, हिप्नोटॉक्सिन रिलीज होगा, ठीक है। अल्टीमेटली बेटा जी यहाँ पर क्या रिलीज होगा, दिस इज गोइंग टू रिलीज हिप्नोटॉक्सिन, और सामने वाले को घायल कर देगा। इसका काम ही है अपने आप को बचाना और एंकरेज में मदद करना। किस में मदद करना, एंकरेज में मदद करना। यस, हाँ जी, एंकरेज में मदद करना, ये लिखा हुआ है, ये देखो एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो नाइडोब्लास्ट है इसको यूज करेंगे एंकरेज में चिपकने के लिए, डिफेंस यानी कि अपने बचावट के लिए, एंड बेटा जी प्रे को कैप्चर करने के लिए। तीन सीधे सीधे आपको इसके फंक्शंस याद करना है, एंकरेज, डिफेंस एंड प्रे को कैप्चर करने में मदद करेगा। कौन, नाइडोब्लास्ट। इसके अंदर क्या है, नेमेटोसिस्ट। सिंस इसके पास नाइडोब्लास्ट होते हैं इसीलिए तो इनका नाम क्या है, नाइडेरिया, ठीक है जी, इसीलिए इनका नाम, सेकंड नेम क्या है, नाइडेरिया। गॉट इट मेरे बच्चों, समझ आ गया। चलिए अब फटाफट से एनसीईआरटी से देख लेते हैं, भाई पानी में रहते हैं, एक्वाटिक मोस्टली मरीन है, सेसाइल चिपके हुए भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल है। नाइडेरिया नाम कहाँ से आया, क्योंकि नाइडोसाइट है या फिर नाइडोब्लास्ट, दो नाम है। बेटा मैंने बोला इस बारी सारा पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही बनेगा, पिछली बारी भी बनता था लेकिन इस बारी ज्यादा फोकस रहेगा। अब इसके लिए एनसीईआरटी के एक वर्ड, एक लाइन समझना, रटना, दिल में बसाना बहुत जरूरी है। तो अगर नाइडोब्लास्ट है तो इसका दूसरा नाम नाइडोसिस्ट, नाइडोसाइट भी है, याद रखना है। और इसके अंदर क्या है, नेमेटोसिस्ट। ठीक है जी, अंदर क्या है, नेमेटोसिस्ट। पता चल गया। अब नाइडेरियंस में टिश्यू लेवल है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के बारे में बात कर ली। अच्छा, माउथ का नाम दे रखा है हिप्नोस्टोम। तो ये जो मैंने माउथ बनाया ना, इसका नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ, हिप्नोस्टोम। ठीक है, हिप्नोस्टोम याद रहेगा। स्टोमा वर्ड ही माउथ के लिए होता है, स्टोमा वर्ड इज यूज्ड फॉर माउथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाइजेशन दोनों है, एक्स्ट्रा इंट्रा, कोरल्स आती हैं, स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, बॉडी पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म में है, जो सेसाइल है उसको पॉलिप फॉर्म बोलते हैं, जैसे कि हाइड्रा एडेम्सिया, और जो बेटा जी अम्ब्रेला शेप फ्री लिविंग है, एग्जाम्पल इज ओरेलिया और जेलीफिश। कुछ ऐसे हैं जो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज ओबेलिया एंड फाइसेलिया। अब एग्जाम्पल के तौर पर फाइसेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया सी एनिमॉन, पेनाट्यूला सी पेन, गोर्गोनिया सी फेन एंड मैंडरीना ब्रेन कोरल। एग्जाम्पल कैसे याद करें, लिख लिख के, और कोई तरीका नहीं है। इसका न्यूमोनिक अभी नहीं बनाएंगे, मैं खुद एक सेशन, वैसे मैं बिलीव नहीं करती एनिमल किंगडम के न्यूमोनिक में बेटा जी। व्हाई आई डोंट बिलीव, बिकॉज याद ही नहीं रहता है यार। एनिमल किंगडम में हर फाइलम का मान लो न्यूमोनिक बनाए, तुम सोचो हर फाइलम का न्यूमोनिक बनाए, 10 न्यूमोनिक बन जाएंगे। 10 लाइनें आपको याद रखनी है, और फिर जब वो 10 लाइनें तो याद हो जाती हैं, लेकिन याद नहीं रहता कि ये लाइन किस फाइलम की थी, ये न्यूमोनिक किस फाइलम का था। तो मेरी सजेशन, बताऊंगी मैं भी, लेकिन मेरी सजेशन सबको यही रहेगी, इसमें आप न्यूमोनिक के थ्रू मत लिखें, याद करें लिख लिख के। जैसे अभी पूरे सेशन में हम फिशेस बहुत सारी आएंगी, जेली फिश आई, कटल फिश आएगी, और बेटा जी सिल्वर फिश आएगी, एक्चुअल फिश आएगी। तो फिश का एक पेज बना लीजिए। ठीक है जी, सी वाले बहुत आएंगे, जैसे सी पेन, सी फैन, सी हॉर्स, उनका एक पेज बना लीजिए। नाम लिखा, सिंपल कॉमन नेम लिखा और फाइलम लिख दिया, इस तरीके से। तो लास्ट में जब हम रिवाइज करते हैं ना, तो एक कंफ्यूजिंग चीज कि यार जेली फिश सीलेंट्रेटा में थी, कटल फिश मोलस्का में है, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा में है, कैसे याद होगा, जब आप वो एक टेबल बना लेंगे। ठीक है जी, जब आप वो एक टेबल बना लेंगे। यस, यूनिक फीचर क्या है, यही नाइडोब्लास्ट। इससे बड़ा यूनिक फीचर क्या हो सकता है ना, जो इसमें पाया जाता है, नाइडोब्लास्ट। सिंपल, चलिए डन हो गया मेरा आपका क्या कहते हैं, समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट फाइलम पे हम लोग चल रहे हैं, टीनोफोरा। अब टीनोफोरा सीलेंट्रेटा का भाई है, और कैसा भाई है, चडी बड़ी टाइप्स। भैया आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, आपने लाल रंग की शर्ट ली है, मैं भी लाल रंग की शर्ट लूंगा, आपकी सिमेट्री रेडियल है, मेरी भी सिमेट्री रेडियल है, आप टिश्यू लेवल है, मैं भी टिश्यू लेवल होऊंगा। ठीक है जी, तो ये भाई के साथ काफी ज्यादा सिमिलर है। छोटा सा फाइलम है, 4 लाइनें याद करनी है, आ जाओ फटाफट से कर ले। टीनोफोरा बेटा जी, याद करने वाली बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सक्लूसिवली मरीन। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, सिर्फ और सिर्फ पाए जाएंगे समुद्र में, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते हैं। अब कुछ फीचर्स इसके भाई जैसे हैं, भाई जैसे फीचर्स को इसमें डाल देते हैं। भैया जैसा फीचर क्या है, भैया हम भी रेडियल सिमेट्री हैं। वो कह रहा है ठीक है कर ले भाई, छोटा भाई है तू मेरा। भैया हम भी टिश्यू लेवल है, ठीक है कर ले, छोटा भाई है तू मेरा। भैया हम भी आपकी तरह डिप्लोब्लास्टिक बनेंगे, ठीक है भाई कर ले, तू मेरा छोटा भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बॉडी में अगर तुम देखोगे, ये रही इसकी बॉडी, दिख रही है, इसके पास इसकी बॉडी में 8 मीडियन में अरेंज, सेंटर में अरेंज सीलिएटेड कूम प्लेट्स हैं। देखो नंबर लिख दूं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रही है। 8 दिख रही है। यस, जिसको डर लगता है इस चैप्टर से बेटा, डर तब तक लगता है जब तक बेटा जी हम शुरुआत नहीं करते। वंस यू स्टार्ट देन इट बिकम्स इजी। आप ये 3 दिन मुझे देकर देखिए, ये चैप्टर आपके टिप्स पे ना करा दिया तो बेटा आप मुझे, मेरा नाम मत बदलना, मेरा नाम बड़ा यूनिक है, आप कुछ मत कहना, मैं याद करा दूंगी, वो नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो यार इस पहले चांस तो, डर से आगे बढ़ो, डर से घबराओ नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पीना नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसके पास 8 सीलिएटेड कूम प्लेट्स हैं। कितनी हैं, 8 सीलिएटेड कूम प्लेट्स हैं, मीडियन फॉर्म में अरेंज है, सेंटर में मतलब। ठीक है, 8 मीडियन सीलिएटेड कूम प्लेट्स। जो मैं बात लिख रही हूं वो बात आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, यस ओके चलिए, अब इसमें मैंने बोला सीलिएटेड कुम्प्लेंट्स है, सीलिया लगा हुआ है। सीलिया का फंक्शन क्या जानते हो बताओ, सीलिया का क्या फंक्शन जानते हो? तुम्हें पता है सीलिया क्या फंक्शन होता है? सीलिया का काम होता है लोकोमोशन। तो यार इन कुम्प्लेट्स का काम भी तो क्या होगा? लोकोमोशन। ठीक है, क्या इसमें कहीं भी नाइडोब्लास्ट दिख रहा है? नहीं, तुम बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिख दोगे कि इसके पास अपने भाई जैसा नाइडोब्लास्ट एब्सेंट है, नाइडोब्लास्ट नहीं है इस अपने भाई जैसा। यह अंतर है, दिस इज डिफरेंस। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ टीनोफोरा डज नॉट मैच विद सीलेंड्रेटा? द फीचर इज नाइडोब्लास्ट, देयर इज एब्सेंस ऑफ नाइडोब्लास्ट इन दिस फाइलम, इस फाइलम में नहीं है। ठीक है जी, यस। अब यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं टेंटेकल्स, दिख रहे हैं? दीज आर कॉल्ड एज टेंटेकल्स। ये आपके सिलिएटेड कुम्प्लेट्स हैं जो मैंने लेबल किया ना, दीज आर कुम्प्लेट्स। सिंस बेटा जी इनके पास कुम्प्लेट्स हैं इसीलिए इनके निकनेम भी ऐसे हैं, इनको बोला जाता है कुम्ब बियरर्स, कुम्ब बियरर्स, या फिर बोला जाता है कुम्ब जेलीज। इनको और क्या बोला जाता है? समुद्र के अखरोट, सी वॉलनट। अब देखो सी वाला उस पेज पे चला जाना चाहिए, वहां सी पेन आया था, सी फैन आया था, यहाँ पर सी वॉलनट आ रहा है। वो जो पेज बनाने को बोला है ना, देखो अगर वो बच्चा मुझे शुरुआत से एंड तक फॉलो कर रहा है ना, हो ही नहीं सकता यार उसके 350 से कम नंबर आए, क्योंकि मैं हर चीज अपने लेक्चर में कहीं ना कहीं बोल जाती हूँ, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो, सुनते ही नहीं हो, ध्यान कहीं और आपस में लगे हुए हैं। वैल्यू नहीं है ना यार फ्री क्लास की, फ्री क्लास की वैल्यू नहीं होती। यही क्लास तुम्हें अगर मैं 2.5 लाख रुपए लेके ऑफलाइन में बिठा के दूंगी तब वैल्यू पड़ेगी, है ना बेटा। मैंने भी उसी इंस्टीट्यूट में जिसको तुम जानते हो 6-7 साल काम किया हुआ है, इसी चीज के बच्चे 2 साल का कोर्स लेते थे, 2 to 2.5 lakhs इज द एवरेज अमाउंट ऑफ फी दैट दे पे। क्या उनको अलग करा देते थे? बताओ, उनको कराएंगे तो एनिमल किंगडम बदल जाएगा और तुमको कराएंगे मुफ्त में तो एनिमल किंगडम कुछ और हो जाएगा, बट वैल्यू नहीं है। प्रॉब्लम ये है जब तक पैसा जेब से नहीं निकलता है तब तक लगता है कि यार हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे, कुछ तो गड़बड़ होगा, सीक्रेट होगा इसमें जो मैम हमें नहीं बता रही है, उनको बताएंगी। बेटा एक एक क्वेश्चन 20-23-2-1 निकाल लो, वहां से मेरे लिंक ट्री के नोट्स जाके मैच कर लो, आपको नोट्स में मिल जाएगा। और वो मैंने यूट्यूब पे लाइव नोट्स है मेरे लिंक ट्री के, आप मैच कर लीजिए, ओपन चैलेंज है, एक एक क्वेश्चन आपको नोट्स में से आया मिल जाएगा। तो यार कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऑफलाइन में आपको इतना पैसा देने के बाद एक्स्ट्रा मिलता है और जो यहाँ पर तुमको कमी हो रही है, बट वैल्यू उसी को होगी यार जिसको जरूरत है। मैं बताऊं यार, जो सच में जिस बच्चे के पास सब हो जाता है ना, विद गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज फाइन, फाइनेंशियली दे आर रियली गुड एंड परिवार में सब बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, यू गाइज आर फॉर्चुनेट। बट जो फॉर्चुनेट होते हैं ना कई बारी, उनको लगता है यार जितना इजी मुझे जिंदगी में ये मिल गया उतना इजी मुझे सब कुछ मिल जाएगा लाइफ में, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेरे पापा ने मेहनत करी हुई है ना, पापा का बड़ा बिजनेस है तो मुझे मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। असली मेहनत बेटा मैंने देखी है, वो लोग करते हैं जिनके सच में पहले इतना ज़्यादा फाइनेंशियली नहीं अच्छे होते हैं, बहुत स्ट्रगल जिन्होंने देखे होते हैं। तो यार अगर आपने स्ट्रगल देखे हैं तो यार इस स्ट्रगल को अपने साथ लेके चलो, ये मेरे साथ आप करते जाइए। बायो में यानी कि 50% मार्क्स तो हम अपने सिक्योर करें, 50%, ठीक है। इस क्लास को चाहे तुम फ्री मानो, चाहे तुम रिकॉर्डिंग देखो, लेकिन देखो और सीरियसली लो। जब तक सीरियसली नहीं लोगे, मजाक चल रहा है यहाँ पर आके दोस्ती यारी बना रहे हैं, एक दूसरे से बतिया रहे हैं, और बेटा जी अल्टीमेटली दूसरे का नंबर मांगेंगे, कहेंगे इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, ये सब करने के लिए बेटा ये क्लास नहीं है। आपको क्या लगता है मैं इतना ऊंची ऊंची क्यों चिल्लाती हूँ? आपको पता है यूट्यूब की एक क्लास में ऑफलाइन की क्लास से डबल एनर्जी लगती है, वहां तो फिर 40 बच्चा बैठा होता है, वहां बेटा डिफिकल्ट है। एज अ टीचर मैं आपको बता रही हूँ, व्हाई टीचिंग ऑफलाइन इज डिफिकल्ट देन टीचिंग ऑनलाइन, बिकॉज बेटा वहां पर मेरे पास स्कोप होता है चुप रहने का, बात करने का, अच्छा बच्चे से बात कर ली, क्वेश्चन दे के निकल गए, साइड पे हो गए, ये सब मेरे पास स्कोप होता है। 1.5 घंटे क्लास में मैं बोलती सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 40 मिनट हूँ, आधा घंटा आई डोंट स्पीक, है ना, बच्चे आपस में बोल रहे हैं, उनको होमवर्क दिया हुआ है या उनको नोट करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर अगर 1.5 घंटे की क्लास है बेटा, वी आर कॉन्टिन्यूसली स्पीकिंग एंड दैट टू टू कैमरा, है ना, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। एक्सप्रेशन यहाँ देखते हैं, अचानक से आपके कमेंट्स देखते हैं, दिखता है यार ये तो दोस्ती कर रहे हैं। तो इट इज डिफिकल्ट टू कम ऑनलाइन एंड टू से ऑल दिस एंड दैट टू लगातार, है ना, कॉन्टिन्यूसली फॉर 1.5 2 आवर्स समटाइम्स 5 आवर्स, जब आपके पेपर होते हैं तब तो 6 7 घंटे है ना। इसीलिए आप अगर चाहते हो कि यार मुझे 2.5 लाख दे के समझ आएगा तो प्लीज़ जाइए 2.5 लाख दीजिए, मतलब जहाँ से समझ आता है करिए। मैं कहती हूँ सारे प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी प्लेटफॉर्म, मैंने हर जगह काम करके देखा है, हर जगह मेहनत है, लेकिन आपको जहाँ अगर यहाँ समझ आता है ना तो प्लीज़ इसको अच्छे से लीजिए, राइट, अच्छे से लीजिए हर क्लास लगाइए। पहली क्लास में आप में एनर्जी थी बेटा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में से सवाल आने थे क्या? यहाँ से सवाल नहीं आने, या कल की क्लास में सवाल नहीं आएंगे? इसीलिए हर सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगला हफ्ता तो मैं बता रही हूँ आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। अगला हफ्ता मैं अपना फेवरेट यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन इस वे में आज आप पढ़ेंगे अगले हफ्ते उस यूनिट को जैसा आपने नहीं पढ़ा। लोग बोल जाते हैं कि यार ऐसे कराएंगे, लेकिन वो लेवल सीप मैम ने पास्ट में भी कराया, मैंने खुद कराया हुआ, पता नहीं किसने मेरे पुराने 3 साल पुराने सेशन देखे हैं। दैट इज गोइंग टू कम बैक एंड दैट टू इन अ रिवैम्प्ड वे। वो मैं अगले हफ्ते आपको चालू करने वाले, दशहरे वाले दिन बेटा जी उसको लॉन्च करेंगे, तो दशहरे का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। समथिंग बिग इज गोइंग टू कम। आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि कैसे आपको और बेटर तरीके से समझा सकती हूँ, कैसे एनसीईआरटी आपके माइंड में क्लास में घुसा सकती हूँ, ठीक है तो इसीलिए हर क्लास की वैल्यू करो। अगर किसी चैप्टर को 3 दिन दिए तो कुछ सोच के दिए होंगे, और अगर किसी चैप्टर को मैं 1 दिन में कराऊंगी तो भी सोच के कराऊंगी। ये चैप्टर याद नहीं होता, 1 दिन में मैं बोल बोल के चली जाती हूँ, चलो मैं भी रीड करके निकल जाती हूँ, बहुत मजा आ जाएगा मुझे तो, 1 घंटे में क्लास ओवर, चैप्टर खत्म। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास में आए तो याद करके जाए, है ना। यस नेक्स्ट में तो बेटा हम वन ऑफ द बेस्ट सेशन ऑफ दैट यूनिट ऑन यूट्यूब होने वाला है अगले हफ्ते, दशहरे वाले दिन मिलेंगे एंड उसको शुभ आरंभ उसका करेंगे, ठीक है। और हर यूनिट हमारा ऐसा है यार, हर यूनिट में आई पुट माई 100%, हर यूनिट में आई वॉन्ट कि यार ये बच्चे को क्लियर होना चाहिए, 100% क्लियर होना चाहिए, क्लास में लर्न करके गया और सवाल निकले या नहीं। अगर किसी का आपको टेस्ट लेना है कि यार मैं इसमें कोई इससे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कई बार क्लास में बड़ा मजा आता है, समझ आ रहा होता है, लेकिन अगर सवाल ना निकले वो क्लास वो घंटा आपका वेस्ट है। तो मैं सबको ओपनली बोलती हूँ, आप मेरी क्लास लगाने के बाद उसका सवाल लगाइए जाके, चैप्टर खत्म होने के बाद। अगर आपका सवाल नहीं लगता है लीव मी, छोड़ दीजिए मुझे। और अगर सवाल लग जाते हैं, 90% क्वेश्चन लग गए, 10% तो थोड़े से बाहर से भी होते हैं, 90% सवाल लग गए, देन आपको किसी और टीचर की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, है ना। इसी तरीके से आप टीचर का चयन करते हैं, और ये टीचर का चयन आपको सिर्फ ऑनलाइन एक सुविधा देता है। ऑफलाइन में तो बेटा ये टीचर है 2 साल आपको पढ़ाएंगे और 2 साल उन्हीं से पढ़ना है ना। तो प्रिविलेज्ड हो तुम, एक सेंस में प्रिविलेज्ड हो, तुम्हें सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तुम्हें अच्छे गाइड मिल रहे हैं जो तुम्हें सही दिशा में डाल रहे हैं, एंड दैट टू विद वेरी मिनिमल और नो कॉस्ट। वैल्यू करिए, ठीक है, बस मैं ये कह रही हूँ, टाइम की वैल्यू करें, समय नहीं है, समय बहुत कम है यार बेटा जी मैं यूनिट वाइज चल नहीं रही हूं, जो मुझे यहाँ कह रहे हैं डाइवर्सिटी का यूनिट पूरा करा दीजिए। दिस सीरीज इज नॉट अबाउट रनिंग यूनिट वाइज, दिस सीरीज इज फॉलोइंग। यहाँ पर 32 के 32 चैप्टर होंगे, लेकिन जिस ऑर्डर में मैं बताऊंगी उस ऑर्डर में होंगे, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर ऐसे चैप्टर 1 2 चैप्टर एंड नहीं कर रहे हैं वी विल डिस्कस, वी विल चेंज द ऑर्डर, वी विल मेक श्योर कि हाई वेटेज टॉपिक हम पहले कर रहे हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वेटेज वाइज कर रहे हूँ, एंड अल्टीमेटली हमने सारा ही करना है। मैं प्लांट किंगडम अभी कराऊँ या 2 महीने बाद कराऊँ, क्या फर्क, करना तो है ना, है ना, करना तो है। चलो आ जाओ यार। 8 मीडियन कॉम्प्लेट्स, टेंटिकल्स, ये सारी बात हो गई। अच्छा, अगर टेंटिकल प्रेजेंट है तो कितने दिख रहे हैं? 2 ही दिख रहे हैं मुझे, दिख रहे हैं यार यहाँ पर 2 ही होंगे, ठीक है। इन टेंटिकल्स के पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर बेटा जी स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे जिनको हम लोग बोलते हैं कॉलोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? कॉलोब्लास्ट, लासो सेल्स बोलते हैं इनको, लासो सेल। काम क्या है? चिपकना, एंकरेज। एंकरेज में बेटा जी रोल प्ले करते हैं। इनकी एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है बेटा जी, इनमें से लाइटें निकलती हैं। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है बायोल्यूमिनेसेंस। इस प्रॉपर्टी को बेटा जी क्या बोला जाता है? बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है ये भी, इनका एक तरीके से यूएफ है, यूनिक फीचर। मैं हाईलाइट करती जाती हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जिसपे सवाल आता है। दूसरा बेटा जी इनके पास बैलेंसिंग ऑर्गन है। जब भी इस चैप्टर में बैलेंसिंग ऑर्गन की बात होगी तो बैलेंसिंग ऑर्गन कौन रहेंगे? स्टैटोसिस्ट रहेंगे। कौन रहेंगे? स्टैटोसिस्ट रहेंगे। इनके पास भी दोनों तरीके का डाइजेशन है, इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा। पहले एक्स्ट्रा होगा, फिर जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो सेल के अंदर चला जाएगा, फिर बेटा जी इंट्रा सेलुलर होगा। क्या इसके अंदर कोई सिस्टम है? कोई यार खासा सिस्टम अभी आया नहीं है, टिश्यू लेवल है ना, कोई स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नथिंग इज प्रेजेंट, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ये भी क्या है? हरमेफ्रोडाइट है। क्या है? हरमेफ्रोडाइट है, यानी कि एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स है, मोनोइशियस है। मोनोइशियस मतलब वन बॉडी, मोनो मतलब वन, इशियस मतलब बॉडी के लिए यूज किया है। ठीक है, दे आर हरमेफ्रोडाइट। लेकिन बेटा जी पते की बात यह है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती नहीं है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कि यार एक्सक्लूसिवली मरीन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और फर्टिलाइजेशन पानी में होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये लिख लिख के याद आएगा यार, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। एग्जाम्पल टीनोप्लेना, ये जो सामने ऊपर बना हुआ है टीनोप्लेना इज द एग्जाम्पल। तो फटाफट से एनसीईआरटी से देख लेते हैं जो भी हमने किया है। दूसरा नाम सी वॉलनट, कूम जेलीज, एक्सक्लूसिवली मरीन, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लो, कूम प्लेट्स कर लिया, डाइजेशन भी बोथ, ल्यूमिनिसेंस, सेक्सेस सेपरेट नहीं है यानी कि हरमेफ्रोडाइट है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ होती है, एसेक्सुअल होती ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन बाहर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा मौजूद है, लार्वा की प्रेजेंस है। ठीक है जी, यस। एग्जाम्पल कट गई है यहाँ पर, मैं लिख देती हूँ एग्जाम्पल, यहाँ लिख रही हूँ टीनोप्लेना। ठीक है, देन आपके पास आ जाएगा प्लूरोब्रेकिया जिसकी फोटो बनी हुई है, इसको सी गूजबेरी भी बोला जाता है, दिस इज सी गूजबेरी। सी वॉलनट हो होर्मिफोरा, सी वॉलनट, सी वॉलनट समुद्र का अखरोट। ठीक है, सेस्टम, वीनस गर्डल, यस। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? सारे टीनोफोरा के एग्जाम्पल हैं। हाँ जी, बता दो पूनम जी कहाँ से हो, नहीं तो इसको चैन नहीं पड़ेगा। बता दो पूनम जी कहाँ से हो। हाँ पूछ रहा है ना ये, पूनम जी कहाँ से हैं? हैं, हमें भी बता दो, हम भी जान लें थोड़ा सा, you know, हम भी कर लें। टीनोफोरा हो चुका है, 3 फाइलम आर डन, नॉन कॉर्डेट्स में काफी ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थीज। प्लैटीहेल्मिन्थीज बेटा एक जमाना था जब बहुत ज्यादा डिटेल में इसको कराया जाता था, एक एक ऑर्गेनिज्म को पूरा लाइफ साइकिल बताया जाता था, लेकिन अब आप लकी हैं, वो जमाना चला गया, हम भी लकी हैं, इतना ज्यादा नहीं पढ़ाना है ना। तो प्लैटीहेल्मिन्थ, जब भी वर्ड आ जाए बेटा जी हेलमिंथ, तो यार हेलमिंथ का मतलब होता है कीड़ा, वर्म्स। क्या होते हैं? कीड़े, वर्म्स। अगला जैसे फाइलम है एसके हेलमिंथ, वो भी वर्म्स है, वो भी कीड़े हैं। हेलमिंथ मतलब वर्म्स। जैसे हमने हेलमिंथिक डिजीजेस भी की थी, याद है, ह्यूमन हेल्थ में, तो वो इन्हीं की वजह से की थी, प्लैटी और आपके एसेक हेलमिंथीज की वजह से। प्लैटी मतलब, प्लैटी का मतलब है फ्लैट वर्म्स। ये क्या है? फ्लैट वर्म्स, यानी कि द बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। ये डॉर्सो है, ये वेंट्रल है, चपटी हुई बॉडी है। द बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। बॉडी कैसी है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। देखो तुम ध्यान दो, हर एक का जो नाम है, निकनेम है, बड़ा सोच के रखा गया है। जैसे पॉरीफेरा का निकनेम क्या था यार? इसका निकनेम था स्पॉन्जेस, स्पंज, सोच के रखा है क्योंकि पोर्स होते हैं। इसका निकनेम क्या था? नाइडेरिया, सोच के रखा है क्योंकि इसके पास नाइडोसिस्ट यानी कि नाइडोब्लास्ट होते हैं। इसका निकनेम क्या है? कूम जेलीज, क्यों? इसके पास सीलिएटेड 8 मीडियन कूम प्लेट्स होती हैं, सोच के रखे ना, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी है। सेम वे प्लैटीहेल्मिन्थीज का नेम का ही मतलब है फ्लैट वर्म्स। व्हाई? द बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। ठीक है जी, यस, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। ओके, डॉर्सल हमेशा अपर सरफेस होता है, ऊपर का सरफेस, और वेंट्रल हमेशा नीचे का सरफेस होता है। मतलब कीड़े को तुम ऐसे, अगर मान लो मैं कीड़ा बन जाऊं और मैं ऐसे उल्टी लेट जाऊं, तो जो मेरी बॉडी फेस, हवा को फेस करता है, दैट इज डॉर्सल, दैट मींस माय बैक इज माय डॉर्सल। ओके चलो, तो बॉडी डोर्सोवेंट्रली क्या है, चपटी हुई है, फ्लैटेंड है। ओके अब बेटा जी इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं जनरली ये पैरासिटिक हैं और बॉडी के अंदर के पैरासाइट हैं, हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे, होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे और खूब धमाल मचा के बीमारी कॉज कर देंगे। सो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम दे आर पैरासिटिक और अंदर पाए जाते हैं एंडोपैरासाइट मोस्टली, ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे हैं, एंडोपैरासाइट भी हैं और बेटा जी फ्री लिविंग भी हैं, हम लिखेंगे कौन से हैं, ठीक है। एक फ्री लिविंग मैं आपको यहाँ बता देती हूँ जिसका मेंशन भी किया हुआ है, दैट इज ड्यूगेसिया। कौन है ये ड्यूगेसिया, ये है प्लेनेरिया। इसको तुम कक्षा 9वीं से बनाते आ रहे हो, यहाँ बना नहीं हुआ, मैं बना देती हूँ, ऐसा दिखता है। इसका एग्जाम्पल बेटा जी हम रीजनरेशन में भी करते हैं, दिस इज ड्यूगेसिया और योर प्लेनेरिया, ठीक है जी। इस समय कॉल करेंगे तो यार ब्लॉक ही होंगे सीधा ब्लॉक करती हूँ बेटा मैं, सीधा है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। क्लास खत्म होते ही बेटा जी आपका अंत होने वाला है ना। चलिए तो बेटा मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे भी, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो सीप पाहुजा डालेंगे, बस सीप डॉट पाहुजा डालना मिल जाएगा। सीप पाहुजा नाम से बेटा जी फॉलो कर लें, वहां पर आपको मेरी रेगुलर एक्टिविटीज, क्या कर रहे हैं, क्या मोटिवेशन है। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो पॉजिटिवली उसका यूज कीजिए, बुरा यूट्यूब भी नहीं है, बुरा बेटा इंस्टा भी नहीं है, इट डिपेंड्स कि आप किसको फॉलो करते हैं वो चीजें, ठीक है। चलो ड्यूगेसिया यानी कि प्लेनेरिया। बॉडी की सिमेट्री बताइए। प्लैटिहेल्मिन्थीज बेटा फर्स्ट भी आते हैं, आपको पता है ना, कल बताया था, 2 मामलों में फर्स्ट है ये। किस में फर्स्ट है? दे आर द फर्स्ट फाइलम टू हैव, बताओ, दे आर फर्स्ट फाइलम टू शो ट्रिप्लोब्लास्टी। ट्रिप्लोब्लास्टिक में पहला नंबर इनका आता है। दे आर द फर्स्ट फाइलम, यस, और किस में फर्स्ट आते हैं? टू शो बायलैटरल सिमेट्री। सबसे पहले बायलैटरल सिमेट्री इनमें आई थी। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, फर्स्ट बायलैटरल सिमेट्री वाले कौन हैं आपके? ये हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पता है, ऑर्गन लेवल, ठीक है जी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जर्म लेयर्स हमने कर ली एंड दे आर द ओनली फाइलम विच डज नॉट हैव सिलोम, जिसके पास मीजोडर्म तो है, ए सिलोमेट्स है। ये हमने कल कर लिया था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कल का लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर कल था, है ना। अच्छा एक और चीज बेटा जी आपको बतानी थी, क्या आपने मेरी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लिया जो फ्री टेस्ट सीरीज है? कहाँ गई मेरी टेस्ट सीरीज? नहीं किया टेस्ट सीरीज में बेटा एनरोल कर लेना, लिंक मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया था। संडे को सुबह 12 बजे जब आप कन्या पूजन कर लेंगे ना, जो लोग करते हैं हलवा चने खाकर, 12 बजे टेस्ट देना और ये चैप्टर पूरा आ रहा है, उसमें चैप्टर पूरा आ रहा है, साथ लर्न नहीं करोगे फिर तुम बोलोगे मेरी तैयारी नहीं हुई तो मैं टेस्ट नहीं दूंगा। जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा बेटा फिर मैं फ्री टेस्ट सीरीज बंद कर दूंगी। फ्री टेस्ट सीरीज में कुछ सोच के लेकर आई हूँ कि बच्चे को 2000 रुपए 1500 रुपए भी ना देने पड़े, ठीक है। हर बच्चे ने एनरोल करना है। आज मैं आप इसके कम्युनिटी पोस्ट में जाके भी देखेंगे तो भी मैंने लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पे भी मेरे लिंक है। संडे 12 बजे का टेस्ट सीरीज और ये 3 स्पेशल क्लासेस रिवीजन चैलेंज का पार्ट है। ये रिवीजन चैलेंज यहाँ पर दिख रहा है, सबको देना है। ओके चलो, यस, मेरे नाम से जाइए बेटा, क्या नाम है इसका, ये कौन है? जिमिन्स लॉस्ट जैम बेटे, जिमिन्स, मेरे नाम से सब कुछ मिलता है ना। सीप पाहुजा डालोगे गूगल पे, लिंक ट्री मिल जाएगा, टेलीग्राम मिल जाएगा, किताब मिल जाएगी। आपको मेरी बुक खरीदनी है मेरे द्वारा लिखी गई, सीप पाहुजा बुक डालिए। आपको मेरा लिंक ट्री देखना है, सीप पाहुजा लिंक ट्री डालिए। इंस्टाग्राम पे जानना है, सीप पाहुजा इंस्टाग्राम डालिए। सब मेरे नाम से, गूगल जिंदाबाद ठीक है, यस चलो मेरे बच्चों आ जाओ। एसीलोमेट्स हैं। अब मैंने बोला कि यार ये एंडोपैरासाइट भी हैं, मैंने बोला कि यार ये लोग ना मोस्टली एंडोपैरासाइट की तरह बैठे रहते हैं होस्ट की बॉडी के अंदर। अगर ये एंडोपैरासाइट की तरह बैठे रहेंगे, जरा इसका ये मैं यहाँ बना रही हूँ, अगर ये एंडोपैरासाइट की तरह बेटा जी बैठे रहेंगे बॉडी के अंदर तो यार इनमें तो बहुत अडेप्टेशन होनी चाहिए होस्ट की बॉडी में रहने के लिए। होस्ट की बॉडी में रहने के लिए इन्होंने अपने अंदर पूरा इंतजाम कर रखा है। कह रहे होस्ट के वॉल से चिपकेंगे, कैसे चिपकेंगे जाकर? हुक्स से। इनके पास क्या होते हैं अटैचमेंट के लिए बेटा जी? हुक्स प्रेजेंट होते हैं। हुक्स समझ गए? एडहेसिव स्ट्रक्चर, चिपकने के लिए, एडहेशन के लिए हुक्स है। और बेटा जी एडहेशन के साथ साथ चिपकने और फूड को लेने के लिए इन्होंने अपनी बॉडी में शक्कर रख ली है। ठीक है, शक्कर क्या करेंगे? चिपकने में भी मदद करेंगे, एडहेशन भी करेंगे और बेटा जी फूड को इंजेस्ट भी करेंगे। इंजेशन ऑफ फूड, समझ गए? इंजेशन ऑफ फूड। और बेटा जी इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि यार ऐसा करते हैं, होस्ट की बॉडी में रह रहे हैं, होस्ट भी तो कुछ काम कर रहा है, होस्ट के पास प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो अपन को डाइजेशन वगैरह करने का जरूरत नहीं है। होस्ट की बॉडी का फूड डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब अपना डाइजेस्टिव सिस्टम निकाल के बाहर फेंक देते हैं। देखो बहुत शातिर रहिए। इन्होंने कहा कम से कम काम करेंगे, बॉडी के अंदर मजे करेंगे होस्ट की। होस्ट खाना खाएगा, खाना हमारे लिए डाइजेस्ट करेगा, हम उसका डाइजेस्टेड खाना डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो भाई उनको एलिमेंट्री कैनाल की क्या जरूरत? तो इन्होंने सोचा यार अपनी बॉडी को सिंपल बनाते हैं, चल एलिमेंट्री कैनाल बाहर, नो एलिमेंट्री कैनाल। इन्होंने डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ले लिया, क्योंकि सारा करा कराया काम मिल रहा है ना। डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन थ्रू बॉडी सरफेस, डायरेक्ट फूड का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं अपनी बॉडी सरफेस से। मतलब इनके पास तो कोई डाइजेस्टिव कैनाल है ही नहीं, नो डाइजेस्टिव कैनाल। और फिर होस्ट बेटा इनको मारने के लिए एसिड वेसिड रिलीज करेगा, केमिकल्स रिलीज करेगा। उससे बचने के लिए कहते हैं बड़े मोटे कपड़े पहन लेते हैं, अपने बाहर की जो लेयर है ना उसको मोटा कर लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं थिक कवरिंग। थिक कवरिंग बेटा जी यानी कि थिक टेग्यूमेंट इन्होंने अपने ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना रखी है, बिकॉज ये पैरासाइट है मोस्टली। तो पैरासाइट को होस्ट की बॉडी में उसके केमिकल से बच के रहना है, तो कैसे रहेगा? हुक्स, शक्कर और इन सब मॉडिफिकेशंस के हिसाब से रहेगा। ठीक है जी, यस। अब बेटा जी इनकी बॉडी में जितनी भी खाली जगह है, मैंने बोला खाली जगह इनके पास है नहीं, क्योंकि ये तो एसिलोमेट है, तो इनकी खाली जगह किसने भरी हुई है? ऑल द कैविटीज ऑफ द बॉडी दे आर फिल्ड विद द सेल्स, जिसको हम बोलते हैं पैरेन्काइमा के सेल। तो इनकी जो बॉडी की कैविटी है, जो कि खाली है नहीं वैसे, द बॉडी कैविटी इज फिल्ड विद पैरेन्काइमा। ये पैरेन्काइमा फूड के ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है। अच्छा ठीक है, अब बेटा जी यहाँ पर अब सिस्टम धीरे धीरे आने शुरू हो गए। इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है। क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्पेशल सेल्स हैं जिनको बोला जाता है फ्लेम सेल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है। फ्लेम सेल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ विच फाइलम? तुम बोलोगे इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थीज। इन्हीं फ्लेम सेल्स को हम सोलेनोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, सोलेनोसाइट्स भी बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोल सकते हो। ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया। इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये देखो मैंने प्लेनेरिया में बनाया, ये इस तरीके से डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल कुछ आप कह सकते हो गैंग्लियन है, और बेटा जी ट्रांसवर्स भी है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा लगता है जैसे कि सीढ़ियों की तरह है ना, सीढ़ियों की तरह। इसको बोलते हैं लैडर लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, नॉट डाइजेस्टिव, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। कैसा है? लैडर लाइक नर्वस सिस्टम है। यस, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स है और फिर उसको जोड़ने वाले ट्रांसवर्स नर्व कॉर्ड्स है। तो कैसा दिखता है? सीढ़ियों की तरह प्रतीत होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। बोल दिया? हाँ जी। अब बेटा जी बात करते हैं इनकी रिप्रोडक्शन की। यहां से दिखाती हूं मैं, इधर आ जाओ। हाँ जी, इतना लिख लिया। अब जरा इसकी एनसीईआरटी देख लेते हैं फटाफट से। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है तभी फ्लैटफॉर्म्स है, एंडोपैरासाइट है। ठीक है जी, हमारे अंदर भी पाए जाते हैं। बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लो एसिलोमेट, ये तीनों इनके यूएफ हैं। हुक्स एंड सकर्स बेटा जी प्रेजेंट होंगे पैरासिटिक फॉर्म में। इनके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, बॉडी से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं होस्ट की। स्पेशलाइज्ड सेल्स है फ्लेम सेल, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। बेटा एक चीज याद रखना, जहां एक्सक्रीशन आ जाएगा ना उसके बगल में ऑस्मो रेगुलेशन भी आएगा। यूजुअली हर एनिमल में जो ऑर्गन एक्सक्रीशन कर रहा है वही ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है। मैम क्या अंतर है इसमें? एक्सक्रीशन होता है बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, जैसे माय नाइट्रोजनस वेस्ट इज यूरिया, रिमूव करना है। फ्रॉग का नाइट्रोजनस वेस्ट कौन है? आज बताऊंगी, यूरिया, उसको भी रिमूव करना है। जो ऑर्गन एक्सक्रीशन करता है वही ऑर्गन आपकी बॉडी में सॉल्ट और वाटर का बैलेंस करता है। जैसे मेरी बॉडी में एक्सक्रीशन कौन कर रहा है? किडनी, वही ऑस्मोरेगुलेशन कर रहा है. ऑस्मोरेगुलेशन इज बैलेंसिंग सॉल्ट एंड वाटर कंटेंट. सेम वे इसकी बॉडी में एक्सक्रीशन फ्लेम सेल कर रहे हैं, वही इसका पानी और सॉल्ट का कंटेंट भी मैनेज कर रहे होंगे. ये भाई भाई हैं, साथ साथ चलेंगे. ठीक है, अब यहां से ही कर लीजिए बेटा. सेक्सेस दे आर नॉट सेपरेट. ओके, यानी कि हरमेफ्रोडाइट नहीं है. बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी. बहुत सारी लार्वल स्टेजेस है बेटा, पहले पढ़ाई जाती थी, सारी लार्वल स्टेजेस पढ़ाई जाती थी. ठीक है, कुछ मेंबर्स जैसे कि प्लानेरिया, इनके पास क्या है, रीजनरेशन की एबिलिटी. समझते हो, यानी कि प्लानेरिया के बॉडी के तीन हिस्से हो गए बेचारे की एक्सीडेंट से. हिस्सा नंबर 1, हिस्सा नंबर 2, हिस्सा नंबर 3. ये कह रहा है कोई बात नहीं. हिस्सा नंबर 1 कहता है कोई बात नहीं, मैं 2 और 3 बना लूंगा. सेकंड वाला कहता है कोई बात नहीं, मैं 1 और 3 बना लूंगा. थर्ड वाला कहता है कोई बात नहीं, मैं 1 और 2 बना लूंगा. दिस इज रीजनरेशन, कि अगर एक्सीडेंट से बॉडी कट जाए तो उसका हर पार्ट छोटा लॉस्ट पार्ट बना लेता है, लॉस्ट पार्ट बना लेता है. एग्जाम्पल में आ जाएगा टीनिया एंड फेशियोला. ये बना हुआ बेटा, दिस इज टीनिया, टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा, पोक टेपवॉर्म, बीफ टेपवॉर्म, और बेटा जी फेशियोला जिसका नाम है लिवर फ्लू की. ये फेशियोला है, ये इसके पास एसिटाबुलम है, जिसके पास वेंट्रल सकर भी है. हाँ जी, डन. चलिए, विद दिस वी आर डन विद पी, दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थीज. हाँ जी, बिंदास है ये. आगे आ जाओ, आगे आ जाते हैं एसके हेलमिंथस. छोटा सा फाइलम है एसके हेलमिंथ. मैंने बोला हेलमिंथ कौन होते हैं, कीड़े, यानी कि ये भी वर्म्स हैं, लेकिन कैसे वर्म्स हैं, राउंड वर्म्स हैं. यानी कि इसकी बॉडी को कट करोगे तो इसका क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन बेटा जी कैसा दिखेगा, तुमको राउंड दिखाई देगा. क्या दिखेगा, राउंड दिखाई देगा. इसीलिए इनको बोला है राउंड वर्म्स. तो बॉडी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, इसीलिए इसको बोला है राउंड वर्म्स. कहाँ पाए जाते हैं, अभी भी देखो पानी में चल रही है जिंदगी, प्रॉपरली लैंड पे नहीं आए हैं. फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, और धीरे धीरे अब लैंड में आ रहे हैं. और बेटा जी पैरासिटिक भी हो सकते हैं. उसके पास क्या था, ऑर्गन लेवल. इसके पास कौन सा आ जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बढ़ रहा है, ये कल कराया था. बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कोई चेंज. अब सारे बायलैटरल सिमेट्री एक्सेप्ट एकाइनोडर्म्स, और बेटा जी सारे ट्रिप्लोब्लास्टी रहेंगे. खास बात इनमें क्या है जो और किसी में नहीं है, दे आर स्यूडोसिलोमेट्स. कल बात की थी, स्यूडोसिलोमेट्स है. एलिमेंट्री कैनाल बेटा जी बिल्कुल कंप्लीट है. कंप्लीट का क्या मतलब है, कंप्लीट का क्या मतलब है, ट्यूब विद इन ट्यूब चल रहा है ना. एनस अलग है, माउथ अलग है, यही है ना कंप्लीट का बात. इसके पास माउथ अलग होगा और एनस क्या होगा, अलग होगा. दिस इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स. क्वेश्चन आ जाता है बेटा, मस्कुलर फेरिंग्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, तो आपको याद रखना है किसकी है, एसके हेलमिंथीज की. ठीक है जी, इनके पास रिमूवल के लिए एक्सक्रीटरी ट्यूब है जो कि इनका वेस्ट रिमूव करती है. सेक्सेस बेटा जी सेपरेट है, ध्यान ही दे रहो. ये देखो यहाँ पर मेल और फीमेल बाहर से देख के बता सकते हो. कैसे बता सकते हो, मेल छोटा है, ये देखो मेल क्या है यहाँ पर, शॉर्ट है और बेटा जी कर्व्ड है, दिख रहा है नीचे से, ये देखो शॉर्ट है और ऐसे नीचे से गोल है. फीमेल को अगर तुम देखोगे तो लंबी है, लॉन्ग है और स्ट्रेट है ना. फीमेल क्या है, लॉन्ग है और क्या है, स्ट्रेट है. तो यानी कि बाहर से देखकर बता दोगे कि यार ये क्या कह रहे हैं, मेल है या फीमेल है. इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, जब आप हर से देखकर बता देते हैं, इस प्रॉपर्टी को बेटा जी क्या बोला जाता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. फ्रॉग में थी या नहीं थे, क्या फ्रॉग में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म था, हाँ था, हमने पढ़ा था. और आज फ्रॉग के ये देख रहे हो, फ्रॉग कहाँ गया, ये बैठा, ये फ्रॉग के माइंड मैप्स हम लोग करने वाले हैं. ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग ये है, मैंने खुद बनाया. यस, फ्रॉग के माइंड मैप्स करने वाले हैं अगले 15 मिनट में. 6:05 पे वो क्लास शुरू हो जाएगी. आज का मुझे कल लेके जाना पड़ेगा यार, कल तक लेके जाना पड़ेगा. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल पूरा कर लेंगे. कल वैसे ही बहुत छोटा पोर्शन था, आधे घंटे का, तो कल आधा घंटा ये वाला ऐड हो जाएगा. ये सारे फ्रॉग के माइंड मैप बेटा जी आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आज की क्लास मिस कर सकते हो. एनरोल तो किया नहीं यार तुमने, चेक करती हूँ मैं, तुम्हारा एनरोलमेंट तो हुआ नहीं. हाँ जी मेरे बच्चों, एनरोलमेंट तो मुझे दिख नहीं रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है. हाँ नहीं हुआ, कैसे आओगे यार, बिना एनरोलमेंट के तो आने की एंट्री नहीं होती है ना, बिना एनरोलमेंट के तो एंट्री नहीं होती है. ये इतना ब्यूटीफुल फ्रॉग देखने कैसे आओगे? यहाँ पर पिंड है क्लास, जाना एनरोल कर लेना, 6 बजे कोई मिस नहीं करेगा। पहले 15 मिनट फोकस से पढ़ाऊंगी, उसके बाद इसके अमेजिंग क्वेश्चन जो कि बहुत कम अवेलेबल है हर जगह पर, वो बेटा जी हम करने वाले। इनफैक्ट बेटा इसके क्वेश्चंस ना आपको मेरी बुक में ही मिल जाएंगे, जैसे जो मैंने बुक खुद लिखी है, दिस वन इज द बुक, इसके क्वेश्चंस आपको मेरी बुक में ही मिल जाएंगे। इसमें एडेड है ये पोर्शन, इट हैज PYQs, इट हैज माइंड मैप्स, इट हैज एवरीथिंग, फ्रॉग के हैं, तो आप जाके देख लेना। Amazon पे मेरा नाम डालोगे मिल जाएगी। ओके तो इसके लिए बेटा जी कोई मिस नहीं करेगा। तो हेयर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट, मस्कुलर फेरिंग्स इज देयर। और क्या खास बात है, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, फीमेल लंबी होती है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर, यार अब ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है मैम, इसमें एक्सटर्नल इसमें इंटरनल याद करना पड़ेगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है या फिर लार्वा के द्वारा भी हो सकती है, कैसी भी डेवलपमेंट हो सकती है। समझ गए? यस। एग्जाम्पल बता तो दिया काक्षी, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, आपकी थोड़ा पीछे करके देखो, सब बता दिया है। कान बंद करके मत बैठा करिए यार, ठीक है, कान बंद करके मत बैठा करो, ठीक है। इसके पास मसल्स भी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर प्रेजेंट, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी बेटा जी प्रेजेंट होती हैं फॉर मूवमेंट। इसके पास सर्कुलर मसल्स नहीं होती हैं, सर्कुलर मसल्स दे आर एब्सेंट। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला एग्जाम्पल एस्कैरिस, एस्कैरिस को कॉमनली राउंडवर्म बोलते हैं, ये बीमारी कॉज करता है एस्कैरियासिस। वैसे ही बेटा जी टीनिया भी बीमारी कॉज करता था, टीनिया भी कॉज करता था, दैट इज टीनियासिस, टीनियासिस ठीक है जी। वैसे एस्कैरिस जो बीमारी कॉज करता है इसको हम बोलते हैं एस्कैरियासिस। और क्या है, वुशरेरिया, वुशरेरिया बैंक्रोफ्टाई कौन सी बीमारी कॉज करता है, फिलैरियासिस, याद आया, फिलैरियासिस। यस, इसी को एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, ठीक है। वुशरेरिया को ही वो क्या कहते हैं, फिलेरियल वर्म भी बोलते हैं, ये सब हम कर चुके हैं। फीमेल क्यूलेक्स, एलिफेंटियासिस, लोअर लिम्स में एडिमा, लिम्फेटिक वेसल्स में आपका फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है जिसकी वजह से लोअर लिम्स बहुत मोटे लगने लगते हैं, हाथी पाँव हो जाता है, हाथी की तरह इतना मोटा पाँव हो जाता है, ठीक है जी। और क्या एग्जांपल रहेंगी इसकी, एनकाइलोस्टोमा, दैट इज हुकवर्म, ठीक है जी। एंटेरोबियस, एंटेरोबियस दैट इज पिनवर्म, ऑक्सीयूरिस भी बोलते हैं, दिस इज पिनवर्म, ठीक है। और मैंने यहाँ पर बताया था ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ये देखो जैसे इन्होंने यहाँ पर बताया फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फ्री लिविंग इज रैबिडिटिस, रैबिडिटिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्री लिविंग असेकहेलमिंथ। विद दिस वी आर डन विद असेकहेलमिंथ। बस यही बातें याद रखनी है, ये छोटी छोटी बातें भी तुमने याद रख ली ना, इससे ज्यादा कोई PhD नहीं करनी यार। मॉड्यूल में कई बार बहुत ज्यादा दिया होता है कोचिंग के, अब नहीं पूछा जाता और कभी नहीं आएगा इस चैप्टर में से, तो डेप्थ नहीं आती है। इट इज ऑल अबाउट कि जो लिखा हुआ है वो मुझे याद है कि नहीं है, बस जो लिखा हुआ है वो याद कर लो। यस, आई वर्म इज लोआ लोआ, एब्सोल्युटली हो गया। चलिए तो ये बात हो गई एस्कहेलमिंथीज की। अगला फाइलम आपका कौन सा है, एनिलिडा। करा दूं मेरे बच्चों, छोटा सा फाइलम है। एनिलिडा का क्या मतलब होता है, एनुलस होना, एनुलस मतलब क्या होता है, रिंग्स होना। रिंग्स मतलब बॉडी के ऊपर आपको ऐसे गोल 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 ऐसे रिंग्स दिखाई देंगी, जैसे अर्थवॉर्म पे भी दिखाई देती है ना। ये क्या है, बॉडी का बाहर से सेगमेंटेशन होना है, बॉडी बाहर से और अंदर से सेगमेंटेड है। कल बताया था अगर बाहर और अंदर दोनों सेगमेंटेशन हो इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, दिस प्रॉपर्टी इज बेसिकली कॉल्ड एज मेटामेरिज्म, ठीक है। पहली बात तो अपनी ये हो गई, ठीक है। अब आ जाओ, नाम का मतलब समझ लिया। एक्वाटिक हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं। एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी नीरेस, मरीन और फ्रेश वाटर। टेरिस्ट्रियल लैंड पे जैसे अर्थफॉर्म लैंड पे फ्री लिविंग हो सकता है, समटाइम्स बेटा जी पैरासिटिक भी होते हैं। एग्जाम्पल अभी बताऊंगी, इधर आ जाइए। ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। सीलोमेट्स, फर्स्ट सीलोमेट्स बेटा जी यही हैं, यही हैं। ये फर्स्ट किस में आए हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, फर्स्ट ये भी आते हैं। जैसे प्लैटीहेलमिंथीज भी फर्स्ट आए थे ना, ये भी मेरे बच्चों फर्स्ट आते हैं। देखते हैं कैसे दो चीजों में फर्स्ट आते हैं। एक तो बेटा जी फर्स्ट आए हैं ट्रू सिलोम में, क्योंकि इससे पहले तो स्यूडोसिलोम चल रही थी, और बेटा जी फर्स्ट आए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये पहले हैं जिनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है और क्लोज्ड है, फर्स्ट इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये पहले हैं और किसी के पास नहीं है अभी। इससे पहले मतलब इससे आगे तो है, हमारे पास भी है, लेकिन दीज आर द फर्स्ट वन टू हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद वालों के पास दो के पास ओपन है फिर क्लोज्ड हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुब्रतो, बहुत बढ़िया। ताड़ियां मार दो बेटा सुब्रतों के लिए, सुब्रतों के लिए ताड़ियां मार दीजिए सब बच्चे, है ना, काफी बढ़िया है। कह रहे हैं कि हमने ना पता नहीं कौन कौन सी पीक्स क्लाइम कर ली है, पीक्स क्लाइम करी है, इसीलिए बेटा ताड़ियां मार रही थी। हाँ जी, चलिए आ जाइए यहाँ पर। बॉडी बेटा सेगमेंटेड है, ठीक है। इन सेगमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामेयर्स बोलते हैं, तभी इस प्रॉपर्टी को मेटामेरिज्म बोला है। और इसका मतलब एनालिडा का मतलब ही कहाँ से है? एनुलस से है। इनके पास लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल दोनों होती हैं, ठीक है जी। वहां पर सर्कुलर नहीं थी, दोनों होती हैं, जो कि लोकोमोशन में मदद करेंगी। मैंने बोला एक्वाटिक भी होते हैं, एक्वाटिक एनालिड जैसे कि नीरेस। एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा एक्वाटिक एनालिड बताओ, नीरेस। नीरेस के पास स्विम करने के लिए क्या प्रेजेंट है? लैटरल अपेंडेजेस, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरापोडिया। स्विमिंग के लिए क्या है उसके पास? पैरापोडिया है। अब बेटा जी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले इसमें आया, मैंने बोला है फर्स्ट आते हैं इसमें, हाँ फर्स्ट लिख दो इसमें। दूसरी चीज बेटा जी नेफ्रीडिया फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। जैसे उसके पास प्लेटी के पास फ्लेम सेल थे, वैसे ही बेटा जी इसके पास ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन, मैंने बोला भाई भाई हैं, साथ साथ जाते हैं, नेफ्रीडिया प्रेजेंट है, ठीक है जी। नर्वस सिस्टम में देखें तो पेयर्ड गैंग्लिया है जो कि नर्व्स कनेक्ट करती है। नीरिस जो कि एक्वाटिक फॉर्म है बेटा जी, ये डायोशियस है, मतलब मेल एंड फीमेल सेपरेट है, बाकियों में मोनोशियस है। अर्थवॉर्म में एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों है, ठीक है। बट अर्थवॉर्म आ गया, लीचेस आ गई, दे आर मोनोशियस। रिप्रोडक्शन बेटा जी इसमें क्या है? सेक्सुअल है। सीधी सीधी बातें याद रखनी है। अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या है? फेरिटिमा पोस्थ्यूमा, ठीक है जी। देन हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच भी इसमें आता है, ठीक है, ब्लड सकिंग लीच भी इसमें आता है, याद रहेगा। हिरुडिनेरिया के पास ऐसा क्या है जो ब्लड सक करने मदद करता है? बेटा ध्यान देना। अरे यार ये क्या हो गया? ओ आ गया, यस। हिरुडिनेरिया के पास बेटा जी ऐसा क्या है? इसके ना सलाइवरी ग्लैंड में एंटीकोएगुलेंट होता है, याद रखना है। हिरुडिनेरिया के सलाइवरी ग्लैंड्स में, सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? एक एंटीकोएगुलेंट, जिससे बेटा जी जब ये ब्लड को सक करता है तो ब्लड कोएगुलेट नहीं होता है, ठीक है, दैट इज हिरुडिन, हिरुडिन। इसी वजह से ये जो लीच है जब ये ब्लड सक करती है, फेस से करती है, इसको थेरेपीज में भी यूज किया जाता है, मेडिसिन में बेटा जी यूज होती है, तो ब्लड जो है वो कोएगुलेट नहीं होता है, ब्लड कोएगुलेट नहीं होता है। हाँ जी, डन हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जाती है। कौन सी डायोशियस फॉर्म है? नीरिस। नीरिस पानी में है या टेरेस्ट्रियल है? तुम बोलोगे पानी में है। कैसे मूव करती है? पैरापोडिया। अगर अर्थवॉर्म की बात करूं, अगर अर्थवॉर्म की बात करूं तो वो कैसे मूव करेगा? अर्थवॉर्म का अगर मुझे मूवमेंट करता है, एक तो इसके पास मसल्स हैं लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, दूसरा बेटा जी इसके पास सीटे होते हैं। क्या होते हैं? सीटे। पहले जमाने में बेटा अर्थवॉर्म भी डिटेल में पढ़ाया जाता था, जैसे फ्रॉग है ना जो हम करने वाले हैं, अर्थवॉर्म भी डिटेल में पढ़ाया जाता था, पर अब नहीं पढ़ाया जाता। अब जमाने गए, जमाने गए बेटा जी, जब अर्थवॉर्म पढ़ाया जाता है, अब सिर्फ फ्रॉग का जमाना है। विद दिस वी आर डन विद एनालिडा। तो बेटा बाकी हम फिर करते हैं कल, क्योंकि हमारी कक्षा जो है फ्रॉग वाली कक्षा शुरू होने वाली है, ठीक है, फ्रॉग वाली कक्षा बेटा जी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। आई होप आप इस रिविजन चैलेंज में मेरे साथ हैं, कल चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। कल बेटा जी चैप्टर जो है ये समाप्त हो जाएगा और कल शाम को इसके नोट्स भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो लिविंग वर्ल्ड हो गया, फ्रॉग बेटा जी अभी मैं शुरू कर रही हूँ, सब बच्चे यहाँ पर आ जाएं। ये अमेजिंग माइंड मैप्स मैं पूरे नहीं दिखा रही हूँ, वहीं दिखाऊंगी, वहां पर हम डिस्कस करने वाले। 6:07 पर क्लास जो है मैं शुरू कर दूंगी, तो आ जाओ, मिस नहीं करना। बाकी बेटा मुझे आपको बताना था, 1 मिनट रुकिए, कहाँ गया? Just a second. Yes. हाँ जी, that UAITS is now according to new NCERT. आप इसमें जाकर बेटा जी एनरोलमेंट ले सकते हैं, इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड उपलब्ध है। जैसा भी आप टेस्ट सीरीज देना चाहें दे सकते हैं। कोड लगाने के लिए अगर कोई पूछेगा तो आपको क्या कोड लगाना है? SEEPLIVE, यस। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए बेटा जी कोड लगा देना SEEPLIVE. UAITS इज नाउ लाइव अनअकैडमी टेस्ट. ठीक है. दूसरा बेटा अनसेट आप आज भी जाकर दे सकते हैं, हर टॉपर इसको देता है. एंड एक टूल किट बेटा जी हमने बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपको PYQs चैप्टर वाइज की PDF मिल जाएगी, साथ ही में फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगी. एंड साथ में आप PYQs को अटेम्प्ट कर सकते हो. नोट्स हैं उसमें चैप्टर वाइज, कुछ टाइम में माइंड मैप्स और फॉर्मूला शीट्स भी आने वाली हैं. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे एंड बेटा जी कल हम फिर इसके माइंड मैप्स भी डिस्कस कर लेंगे. ओके चलो मेरे बच्चों, जिसका चैलेंज कंप्लीट हुआ, जिसको समझ आया, सेशन को लाइक करो. लाइक करे बिना जा रहे हो और इस पे कमेंट आना जरूरी है. कमेंट जो बच्चा नहीं करके जाएगा मैं समझूंगी कि यार उसे समझ नहीं आया. सो मेक श्योर दैट यू आर कमेंटिंग, क्योंकि कमेंट मैं पर्सनली चेक करती हूँ. कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा यार बच्चों ने अटेंडेंस लगा दी. तो अटेंडेंस दो चीजों से लगती है, एक आप लाइक करके जाइए, दूसरा बेटा कमेंट जरूर करिए. ठीक है. थैंक यू सो मच गाइज. मिलते हैं अगले 10 मिनट में इन आवर स्पेशल क्लास. बाय बाय. टेक केयर.